तीन घंटा लगेगा मुझे ये चैप्टर का रिविजन रिकॉर्ड करने को एंड इट डिजर्व इट आई डोंट नो इसको इतना नेम और फेम क्यों नहीं मिला फॉरेक्स और पोर्टफोलियो ये सब थोड़ा बोलते हैं ना हवा में रहते हैं बट ट्रस्ट मी अकॉर्डिंग टू मी दिस चैप्टर इन माई लेक्चर ऑल्सो आई टेक द मैक्सिमम टाइम इन दिस चैप्टर एंड अदरवाइज ऑल्सो एज अ स्टूडेंट ऑल्सो मुझे लगता है ये चैप्टर इग्नोर्ड है ध्यान से करने का इसको समझेगा इसके लिए तीन घंटे का मैं रिवीजन वीडियो बनाने वाला वाला हूं ताकि मैं अच्छा वाला रिवीजन रिकॉर्ड करके दू इस चैप्टर के लिए बट वो सब करूं मैं उसके पहले आप लोग ने सब्सक्राइब कर लिया नोटिफिकेशन प्लीज बेल आइकॉन क्लिक कर लो क्यों क्या बिकॉज अब जितने भी रिविजन सेशन आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है उसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है क्यों भाई एमसी फ्री में मिल रहा है क्या चाहिए अपने को और यार मार्क्स एमसीक्यू का तो सिक्योर करवा ही लूंगा मैं तुम को वो मेरे टेलीग्राम के एमसीक्यू से हम लोग पोल रेगुलर बेसिस पे लेते रहते हैं क्या बोलते हैं करोगे कि नहीं डन उसके अलावा रेगुलर आर टीपी हो गया उसका मैंने रिवीजन रिकॉर्ड कर लिया है ऑल ऑफ दैट विल बी अ पार्ट एंड पार्सल सो ये अपन करते रहेंगे मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये बार

काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स के थ्रू तुम लोग को करवाने का कोशिश किया है तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे अगर आप लोग करते हो आ, यहां पे जैसे मैं आप लोग को जब अर्निंग्स बेस्ड मॉडल के फॉर्मुला करवा दूंगा उसके बाद में देखो मॉड्यूल का एग्जाम्पल करवा दूंगा साथ साथ में एक नहीं दो एग्जाम्पल करवा दूंगा

अपन लोग डिराइव भी कर लेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करना है सो इट बिकम्स इजी बट आप लोग को पेशेंस मैंने जितना हो सकता है क्विकली भी करवाया है एग्जाम्पल्स भी दिया है आप लोग कमेंट करके बताना है आप लोग को कौन सा चाहिए नेक्स्ट चैप्टर जैसा आप लोग बोलोगे वैसा हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे Now, so बोलते uh, हैं उस हिसाब से वी कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड इन अ प्रॉपर मैनर चलो हेल्पफुल टू बाकी शेयर कर ही तो देता हूं जितना हो सकता है, so है भाई चालू करें अभी सेशन को बेस्ट ऑफ लक थ्री आवर्स इज आई वांट फ्रॉम यू एंड सुनते रहना दो तीन बार जब ये सुन लोगे ना ये चैप्टर के सब रिविजन को जाग नहीं कर रहा हूं सही एकदम सेट हो जाएगा जितना हो सकता है सारे मैंने कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं सम्स के साथ एग्जाम्पल्स के साथ थोड़े के साथ इट बिकम्स स्मूथ ओके अच्छा वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्ट देखो लंबा लेक्चर होने वाला है सो so बीच बीच में लगेगा यार बंद कर देता हूं बीच बीच में डिसिप्लिन टूटेगा नोटिफिकेशन आएगा कुछ और

प्रॉब्ली थोड़े टाइम बाद वन आर बाद में बट एक टाइम फ्रेम डिसाइड करके उस टाइम फ्रेम में ही कंप्लीट करना है दैट बेसिकली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है तो दैट्स हाउ यू विल हैव टू अप्रोच स्पेशली बिग बिग चैप्टर्स लाइक एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने ना बीच बीच में तुम लोगों को बताऊंगा मैं कि एमसीक्यू के लिए ये चैप्टर एक जैकपॉट है जो एग्जामिनर है उसके लिए एवेल्यूएशन ऑफ राइट देख रहा है तुम लोग को ये इधर बॉन्ड्स डिबेंचर्स ये सब के लिए ना एक जैकपॉट है दीज uh, कॉन्सेप्ट so, इसके लिए टाइम लगेगा टाइम देना भी पड़ेगा कुछ जगहों पे क्वालिटी ऑलवेज नीड्स टाइम सो थोड़ा टाइम पास कम करेंगे इस पे ज्यादा टाइम देंगे ज्यादा सुनेंगे कुछ एक बार लगेगा अरे यार छोड़ यार बाद में कर लूंगा अरे यार नहीं समझ रहा है ये वो वापस सुनो वापस फोकस करो कुछ इश्यू है कमेंट्स पे डाल दो कोई चीज नहीं समझ में आई या कुछ और क्लैरिटी चाहिए बट गिव इन योर बेस्ट I will obviously give यू द बेस्ट इन दिस बट आप लोग भी कहीं पे पीछे मत हटना, कसर मत तोड़ना पूरा देखना है एंड तक देखना है एक बार दो बार तीन बार पार्ट में देखना है तो भी चलेगा बट वो पार्ट कब कब देखना है वो भी उसका भी एक टाइम फ्रेम डिसाइड करके क्लोज कर दो एंड स्टार्ट चलो सो सिक्योरिटी वैल्यूएशन बराबर है तो इसमें सबसे पहले वर्ड को समझो सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटीज की यहां पे इंस्टीट्यूट बातें कर रहा है आपसे क्या चाहता है कि भाई कौन से सिक्योरिटीज के बारे में आपको पता हो तो लेट मी टेल यू इट इज इक्विटी शेयर राइट शेयर विच इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी ओनली बट उसको भी अलग से वैल्युएशन उसका बताया इक्विटी शेयर का डिटेल में दो तीन मेथड से वैल्यूएशन बताया देन देर इज प्रेफरेंस शेयर देन देर इज बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एंड लास्ट में है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स तो ये टोटल पांच सिक्योरिटीज के बारे में अपने को पढ़ना है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो देखो ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अर्निंग बेस्ड मॉडल ये किसके लिए यूज होने वाला है बेटा ये यूज होने वाला है इक्विटी के लिए उसके बाद में तुम लोगों को यहाँ भी दिखेगा वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर फिर आपको दिखेगा वैल्युएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर फिर आपको दिखेगा वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स एंड देन फाइनली यहाँ पे आप लोग को दिखेगे कुछ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ये रहे ये है हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स

अलग अलग चीजें सो ऑब्वियसली उनको इन इनडेप पढ़ेंगे एज एंड हाउ इट बिगे बट जब भी आप रिवाइज करो ध्यान में रखना वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी में पांच चीजें आती है सबसे पहला है मेरा इक्विटी का वैल्यूएशन उसमें दो तरह के मेथड है एक है डिविडेंड वाला एक है अर्निंग्स वाला फिर बाद में आता है वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर वैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस शेयर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इसी में सबसे पहले के ऊपर चलेंगे एंड दैट इज इक्विटी सो ओके थोरी हाँ यहां आप लोग आ रहे हैं तो वी कैन सी इक्विटी शेयर्स शेयर जैसा आप लोग देख सकते हो दैट इक्विटी शेयर्स में मॉडल्स है एंड एक है डिविडेंड बेस्ड मॉडल फिर दूसरा है मेरा अर्निंग बेस्ड मॉडल कैश फ्लो मॉडल को मैंने अलग से डिस्कस किया है इन द चैप्टर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन आ जाओ सबसे पहले डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन के ऊपर देखो ये सारे वैल्यूएशन में ना एक चीज आप बहुत क्लियरली समझ लो मैं आपको समझ लो गोल्डन वर्ड बता रहा हूं दैट यू हैव टू डू वैल्यूएशन एंड आपको बताना है कि आज की तारीख में इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का क्या प्राइस होना चाहिए इट कुड बी अ इक्विटी शेयर इट कुड बी अ बॉन्ड और डिबेंचर इट कुड बी अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो अगर मैं इक्विटी शेयर्स की बात करता हूं तो इक्विटी शेयर से कहना से मेरे को फ्यूचर में डिविडेंड मिलने वाला है तो वो फ्यूचर में जो डिविडेंड मेरे को मिलने वाला है उसको कंसिडर करके क्या इसे मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊंगा उसके बेसिस पे मेरे इक्विटी शेयर्स का आज क्या राइट वैल्यू होना चाहिए क्या राइट प्राइस होना चाहिए इज वॉट वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर से मेरे को कोई एक पर्टिकुलर इक्विटी शेयर जिससे मुझे रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड मिलने वाले आने वाले पांच साल तक डिविडेंड मिलने वाले तो मुझे आने वाले पांच साल तक कितना डिविडेंड मिलेगा नहीं से वो मेरा इन्फ्लो है बट पांच साल के बाद मुझे कुछ मिल रहा है कुछ चार साल के बाद मिल रहा है तो उसको मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर

ऑल द केसेस विल बी कवर्ड यर पहला केस है कि भाई अगर आपको एक साल के लिए डिविडेंड मिला तो अगर आपको एक साल के लिए डिविडेंड मिला तो क्या मैं इसे आज से एक साल के बाद का डिविडेंड और उसके बाद जो भी कंपनी के शेयर्स का प्राइस होने वाला है उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा भाई आज इस शेयर का वैल्यू इतना है अगर मुझे मार्केट से खरीदना है देन दिस इज द एप्ट प्राइस व्हाट आई शुड पे सो साल के बाद मुझे जो डिविडेंड मिलने वाला है जिसको मैं बोलूंगा डी सो डी अपॉन वन प्लस के रेस टू वन वन प्लस के क्या है ये मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस इक्विटी शेयर इन द मार्केट एंड प्लस एक साल के बाद मेरे को इस पर्टिकुलर शेयर से कितना एक्सपेक्टेशन है वैल्यू का ये दोनों मिला के मुझे पता चलता है कि आज इनका वैल्यू क्या होना चाहिए कॉल्ड एज पी जीरो देखो एक होता है डी जीरो जो करंट डिविडेंड या लास्ट ईयर का पे डिविडेंड है बट वी आर गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ द डिविडेंड ऑफ

शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एक के थ्रू अपन लोग इसको समझ लेते हैं शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट रूपीज थर्टी सिक्स डिविडेंड ऑफ सिक्स आफ्टर वन ईयर सो एक साल के बाद छत्तीस रुपए में थर्टी सिक्स रुपए में इसको बेच पाऊंगा पी वन हो गया ये एंड छह एक साल के बाद मेरे को डिविडेंड में मिलने वाला है तो छह एक साल के बाद मतलब आज का वैल्यू तो वन सिक्स डिवाइड बाय टू आई होप उतना बेसिक पता होगा आपको प्लस एक साल के बाद थर्टी सिक्स रुपीज भी मिलेगा तो आज मैं इस पार्टिकुलर शेयर के लिए थर्टी फाइव रुपीज अगर देता हूं। मैं अगर आज इस शेयर के लिए थर्टी फाइव रुपीज देता हूं देन इट विल बी जस्टिफाइड तो अगर ये शेयर थर्टी फाइव से कम में मिल रहा है तो एनी टाइम मेरे को बाय कर लेना चाहिए बिकॉज इवेंचुअली इसका वैल्यू थर्टी फाइव तक पहुंचेगा आई होप क्लियर हो गया होगा तो इसको बोलते हैं इफ डिविडेंड इज गोइंग टू बी पेड फॉर Wann year. तो एक साल के बाद का जो डिविडेंड है वो एक साल के बाद का जो मार्केट वैल्यू है वो दोनों को प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ उससे आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल जाएगा ऑन ऑन डेट एंड देन यू कैन टेक अ बाय और सेल डिसीजन वैल्यूएशन बेस्ड मल्टी होल्डिंग पीरियड अगर से फॉर एक्साम्पल आपके पास शेयर रहने वाले बहुत सालों के लिए बट वो शेयर आज आपको डिविडेंड दे दिया उसके बाद जिंदगी में कभी डिविडेंड नहीं देने वाला है डिविडेंड रिमेन द सेम ओवर इनफाइनाइट इयर्स मतलब कोई ग्रोथ नहीं है डिविडेंड में उतना ही डिविडेंड जिंदगी भर आपको मिलेगा सो so, उसके लिए आपको जो आज डिविडेंड मिल रहा है उसके बेसिस पे उसको डिस्काउंट कर लो एट द गिवन डिस्काउंटिंग रेट बट इफ देर इज अ अंस्टेंट ग्रोथ नाउ ऑब्वियसली ये तो यार आज की तारीख में होता नहीं और कोई लेगा भी नहीं बट देर इज गोइंग टू बी अन्स्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग पीरियड तो फिर बाद में आप उस केस में कैसे कैलकुलेट करते हो डी वन पहले आप कैलकुलेट करोगे भाई डी जीरो जो लास्ट ईयर का डिविडेंड मिला है प्लस कंपनी ने कुछ कुछ ना ग्रोथ कुछ किया रहेगा तो वो ग्रोथ को एड करके जो मेरा आने वाला डिविडेंड है दैट विल बी डिस्काउंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ एन इयर्स सो यहां पे अपना फॉर्मूला बन जाता है डी वन अपॉन के ई माइनस जी सो दैट जी टेक्स केयर ऑफ द ग्रोथ पार्ट डी वन में प्लस अपॉन के माइनस जी तो जो भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है माइनस ग्रोथ एंड उससे मुझे मिल जाएगा मेरे प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एज ऑफ टुडे उसके बाद अब भाई कॉन्स्टेंटली एक ही डिविडेंड मिलता रहे ये तो कोई जरूरी नहीं है देयर कैन बी चांसेस के भाई दो तीन साल तक कॉन्स्टेंट डिविडेंड मिलेगा और मतलब कुछ ऊपर नीचे होते रहेगा डिविडेंड में फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड एज डुअल स्टेज मॉडल इनिशियल में आपको हाई ग्रोथ या अब नॉर्मल ग्रोथ मिलेगा बट पीरियड ऑफ लेटर स्टेबल ग्रोथ 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 या कांस्टेंट कांस्टेंट हो हो जाएगा। तो जब हो गया, तब तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं अपॉन के माइनस जी वैसे माइनस जी का भी एक बहुत डेरिवेशन है the, uh, session, so so, यहां पे मुझे ये तो पता चल गया कि भाई देखो जब कांस्टेंट ग्रोथ होने वाला है तब मैं d1 वन अपॉन के माइनस जी का फॉर्मूला यूज कर लूंगा बट उसके पहले क्या तो उसके पहले जब अब ग्रोथ है वो अब उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ फिर लास्ट में जब वो कांस्टेंट ग्रोथ हो रहा है उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ एंड दैट विल गिव यू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अब यहां पे जब मैं इधर बात करता हूं इसकी दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज द टर्मिनल वैल्यू तो जब अब ग्रोथ हो रहा है और उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ पे आ जाता है तो जब वो कांस्टेंट ग्रोथ पे आता है ना दैट बेसिकली गाइस इज कॉल्ड एज द टर्मिनल वैल्यू चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से जो मैंने यहां पे दिया हुआ वेरी वेरी इजीली आप लोगों को फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएगी सबसे पहला यहां पर एग्जाम्पल दिख रहा है आपको एम एन पी हज डिक्लेयर एंड पेड एंड मैं आपको बता दू कि मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है तो भाई डिफॉल्ट आपका मॉड्यूल भी होते जा रहा है Now, MNP has declared and paid dividend of rupees four per share. Expected to grow at the rate twenty percent for the next two years, ten percent thereafter. तो so, यहाँ पे पहले अब growth है क्योंकि दो साल 20 बढ़ रहे उसके बाद में बोला है कि भाई आप constant हो जाओगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स इज फिफ्टीन परसेंट कहना सही है ध्यान रखना है के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी इक्विटी शेयर होल्डर जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो वो एक रिटर्न एक्सपेक्ट करता है वो जो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है उसको बोलते हैं के ई एक्सपेक्टेड रिटर्न विच इज फिफ्टीन परसेंट कंप्यूट द करंट प्राइस एट विच इक्विटी शेयर शुड सेल मतलब क्या एप प्राइस होना चाहिए था आपको वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी करके दिखाना है तो बोस मेरे को एक साल के बाद डिविडेंड मिलेगा कितना डिविडेंड मिलेगा आज मेरे को चार रुपए का या लास्ट ईयर चार रुपए का डिविडेंड दिया है पर बोला ट्वेंटी परसेंट ग्रोथ होने वाला है तो आज से एक साल बाद मेरे को फोर पॉइंट एट मिल जाएगा कैलकुलेटर्स इन योर हैंड सो फोर प्लस आई विल से ट्वेंटी परसेंट फिर इसके ऊपर और मेरे को ट्वेंटी परसेंट का ग्रोथ मिलेगा सो कैन आई से ये हो जाएगा 5.76 और फिर बोला है कि बॉस स्टेबलाइज हो जाएगा एट 10% विच इज 6.336 ये लेवल पे चीजें स्टेबलाइज हो जाएगी या मैं इसको बोल सकता हूँ कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल आ जाएगा तो स्टार्टिंग में कैन आई से 4.8 डिस्काउंट कर दूंगा 1.15 रे टू 1 रेस वन पे उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आया डन सर फिर बाद में 5.76 को मैं दो साल से प्रेजेंट वैल्यू पे ले आया डन सर एंड देन फिर बाद में आ जाता है मेरा कांस्टेंट ग्रोथ वाला तो कांस्टेंट ग्रोथ में मेरा फॉर्मूला क्या है बेटा मेरा कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला है डी वन अपॉल के माइनस जी सो तो ध्यान में रखना इधर कैन क्या डी वन अब मेरे लिए निकल गया है सिक्स पॉइंट थ्री थ्री सिक्स यहाँ पे लॉजिकली निकाले देखो डी वन डी टू आ गया अब D3 पे कांस्टेंट हो रहा है डी D3 पे कांस्टेंट हो रहा है तो वो काइंड ऑफ D1 वन यहाँ पे बन गया तो ये मेरा इधर कांस्टेंट बन रहा है

बट वो दो साल बाद है तो वन पॉइंट डिवाइड बाई वन पॉइंट वन फाइव रेस टू टू दो साल बाद से उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आया ऐसे जितने भी ईयर का जितना भी डिविडेंड दिया है एट द

सपोज आप यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो कि डी टू दो साल का आपको डिविडेंड uh, दिया था एंड देन फिर बोला कि डिविडेंड विल बिकम कॉन्स्टेंट तो डी टू तक का तो उन्होंने डिविडेंड दिया है बराबर है फिर बाद में बोला जाता है डी थ्री पे डिविडेंड क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा अब मैं अगर एक टाइमलाइन बनाता हूं ठीक है आप लोगों के सामने मैं एक टाइमलाइन लाइन बनाता हूं तो ये मेरा डी जीरो गेम स्टार्ट हुआ डी टू इधर गेम स्टार्ट हुआ और फिर बाद में इस लेवल पे बोला कि बॉस अब D2 देने के बाद यहां पे D1 आपने दे दिया D2 आपने दे दिया अब यहां से आपका जो डिविडेंड है वो कांस्टेंट होने वाला है राइट तो आपने इधर का वैल्यू फाइंड कर दिया नाउ दिस टर्मिनल वैल्यू विच इज D3 थ्री अपॉन के माइनस जी इसको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा सो बेसिकली वॉट दे आर आस्किंग इज कि ये लेवल पे आपको पता चल गया है कि आपको डी कितना मिलने वाला है और फिर यहां से आपका D3 कितना कांस्टेंट लेवल पे इट इज गोइंग टू ग्रो सो अब इट इज दिस लेवल दैट यू आर कैलकुलेटिंग योर P04 सो so पी जीरो चीज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो कहना इसे उसमें डी वन आ गया है प्रेजेंट वैल्यू पे डी टू तक आ गया प्रेजेंट वैल्यू पे यहां ये 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 वाला जो पार्ट है ना इसको मैं अब कैलकुलेट कर रहा हूं एट डी टू लेवल तो एट डी टू लेवल पे मुझे पता चल गया है कि मुझे इतना आगे डी थ्री पे डिविडेंड uh, मिलने वाला है कि अपॉन के माइनस जी एंड आई विल ब्रिंग इट टू प्रेजेंट वैल्यू बट वाई विल आई डिस्काउंट दिस वन अपॉन वन प्लस के ई रेस टू टू पे मैं क्यों डिस्काउंट करूंगा फॉर अ सिंपल रीजन बिकॉज दिस इज द लेवल एट विच आई एम फाइंडिंग द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर

सेम टाइम लाइन बनाओगे so, तो चीजें कांस्टेंट होने वाली है तो आप क्या करोगे सबसे पहले डी सिक्स अपॉन के माइनस जी कैल्कुलेट कर लोगे बिकॉज नाउ यू नो यहां से आपको कितना वैल्यू मिलने वाला है अब ये आपको एट दिस पॉइंट इन टाइम पता चल गया है ठीक है सो so, इसका भी अब डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी वन अपॉन वन प्लस नाउ अगेन यू आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ पी जीरो एट दिस लेवल समझ में आया सो so, इसके लिए हमेशा याद रखना आप लोग ये बात दैट जो भी टर्मिनल वैल्यू होगा वो लास्ट जो इन का डिविडेंड पे किया है उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर का जो ईयर है वो आपको लेना रहेगा सो विच इज टू इन दिस केस इट विल बी टू इन दिस केस बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम मुझे पता चल गया अब कॉन्स्टेंट ग्रोथ है बस उसको मैं पीछे खींच लूंगा अच्छा एवरीबॉडी ये यहाँ पे पब्लिक को कंफ्यूजन होता है आई होप ये कंफ्यूजन अब आप लोग को नहीं होना चाहिए सो so ये अपना एक साल का अगर मेरे को डिविडेंड मिल रहा है क्लियर मेरे को अगर जीरो ग्रोथ है वही डिविडेंड जिंदगी भर मिलने वाला है क्लियर अगर मेरे को डिविडेंड मिल रहा है और उसका कॉन्स्टेंट ग्रोथ हो रहा है क्लियर कुछ साल तक अब नॉर्मल ग्रोथ है और फिर कांस्टेंट ग्रोथ है क्लियर सो आई होप इतना सारा चीज अपने को क्लियर हो गया होगा एंड नाउ इसके लास्ट स्टेज पे आ रहे हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जिसको मोर ऑफ फॉर्मूला की तरह यूज किया इंस्टीट्यूट ने एंड नॉट इन सम्स सम्योरेटिकली स्टेज का मतलब क्या है मैं आपको बता दू ये लोग बोलते हैं कि पहले बहुत हाई लेवल ऑफ ग्रोथ होता है फिर बाद में ग्रोथ धीरे धीरे कम होता है एंड देन फाइनली कॉन्स्टेंट ग्रोथ पे आ जाता है सो थ्री स्टेज मॉडल इसके लिए है हाई ग्रोथ देन स्टेबिलाईज ग्रोथ मतलब कम होते जा रहे हैं स्टेबिलाईज तो नहीं बोलूंगा मैं तो पहले एकदम से ट्वेंटी परसेंट से बढ़ रहा है फिर बाद में ओवर पीरियड ऑफ टाइम से ट्वेंटी से सिक्सटीन सिक्सटीन से फोर्टीन फोर्टीन से ट्वेल्व ट्वेल्व से टेन और फिर टेन पे कॉन्स्टेंट हो रहे हैं समझ रहे हो तो हाई ग्रोथ देन धीरे 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 कम होते जा रहा है स्टेबिलाई हो रहा है एंड फाइनली टेन पे कॉन्स्टेंट होके आगे खींच रहा है थ्री स्टेज डिस्काउंट मॉडल, जिसका ICI ने फॉर्मूला दिया है, uh, uh, है, है? So, we'll so, रिप्रेजेंट किया है लाइक योर के ई के ई माइनस ग्रोथ जिसको अपन बोलते हैं ये अपना K -G के ई माइनस जी के जैसा है याद है अपना के ई माइनस जी दैट माइनस जी एन इज लाइक योर के माइनस जी जो अपना नॉर्मल ग्रोथ चलने वाला है डी जीरो एच वन और जी सी ये थोड़ा नया है जी सी मतलब एकदम वो ट्वेंटी फाइव परसेंट लेवल वाला ग्रोथ एंड एच वन इज द ओवर पीरियड ऑफ इन कितने टाइम में ये स्टेबल ग्रोथ आया है टाइम नहीं डाल सकता बट जस्ट दैटाज आपके आई से मॉड्यूल में ये फॉर्मूला है आई शुड इंक्लूड इट इन माई मैजिक बुक एंड देर फॉर आई है कभी एक क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूं पहला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ धीरे धीरे कम होते जाएगा और फिर बाद में कॉन्स्टेंट हो जाएगा दिप्रेजेंट डी जीरो वन प्लस जी एन अपॉन के माइनस जी ये तो अपना कॉन्स्टेंट वाला जो है अपने को पता ही है प्लस देर इज जस्ट वन एडिशन टू द फॉर्मुला विच इज डी जीरो मतलब बेसिकली वो ड्यूरेशन है के जिसमें ये ग्रोथ होके ये धीरे धीरे कम होके फिर स्टेबिलाईज होता है विल बी गिवन इन द क्वेश्चन बाकी जीसी जीसी इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ जो आपका इनिशियल फेज में हुआ था प्लस जीएन अपॉन अगेन के ई माइनस जी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मुला आप लोग ने इसको देख लिया है अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकंड मॉडल ऑफ इक्विटी शेयर एंड दैट इज कॉल्ड एज द अर्निंग बेस्ड मॉडल पहले मैंने आपको बताया था इक्विटी शेयर्स में दो मॉडल है एक डिविडेंड बेस्ड मॉडल जिसको अपन लोग ने अच्छी तरह से कर लिया है विद अ फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स अब अपन लोग आ रहे हैं अर्निंग बेस्ड मॉडल्स के ऊपर पे भी कुछ है लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मुलाज एंड इस फॉर्मूला के बेसिस पे मैंने यहां पे क्वेश्चन भी करवा दिया है सो दैट यू आर क्लियर विद एवरीथिंग चलो लेट्स लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज एंड देन वी विल मूव ऑन पहला है गॉर्डन मॉडल

से फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने प्रॉफिट किया दस लाख रुपए का उसमें से फोर्टी परसेंट टैक्स दे दिया तो छह लाख बचा छह लाख में से से कंपनी ने और एक लाख रुपया प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया तो पांच लाख जो कंपनी के पास बचा है दैट बेसिकली बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स अज्यूम करते अपन लोग की देर आर टोटल वन लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स सो फाइव लाख डिवाइड बाय वन लाख कैन आई से फाइव रुपीज का आपका ईपीएस आ गया ये पूरा का पूरा जो पैसा है फाइव लाख दिस बिलोंग्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इसमें से कंपनी ने टू लाख रुपीज विच इज फोर्टी परसेंट पे कर दिया एज डिविडेंड एंड जो सिक्सटी परसेंट है कंपनी ने अपने पास रिटेन कर लिया विच इज कॉल्ड एज बी रिटेंशन रेशियो तो लाख में से तीन लाख सिक्सटी परसेंट जो कंपनी ने अपने पास रख लिया उसको क्या बोलेंगे रिटेंशन और जो बच गया, 40 that is called as the dividend. तो अगर आप लोग पे नोट करोगे, तो इधर देखो क्या लिखा है मतलब मतलब अब retention था मेरा पॉइंट फोर विच इज नथिंग बट माई डिविडेंड समझ में आया क्या सो so, जो ईपीएस है उसको मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं डिविडेंड पे आउट रेशियो के साथ तो जो इफेक्ट आएगा दैट विल बेसिकली बी आपको पांच so, लाख था इन टू वन माइनस बी तो वन माइनस बी क्या पॉइंट सिक्स तो बचा क्या पॉइंट फोर तो पांच लाख इंटू पॉइंट फोर इज इक्वल टू टू लैख वही टू लाख तो मैंने डिविडेंड दिया है अपॉन माइनस जी होता है ये जो बी इंटू आर है ना ये देखो इधर मैंने आप लोग बट जी विच इज ग्रोथ बी is what is retention ratio into R is called as return on equity इसका मतलब देखो पांच लाख कमाया आपने पांच लाख में से दो लाख dividend दे दिया तीन लाख अब आपके पास बचा है इस तीन लाख को आपने अपने पास क्यों रखा है क्योंकि आप इसको कंपनी के ग्रोथ के लिए कंपनी के एक्सपांशन के लिए यूज करने वाले हो सो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी कि ये जो तीन लाख का प्रॉफिट है जो इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करता है वो भी आपने अपने पास रखा है उसके ऊपर भी आप रिटर्न लेकर आओ इसके लिए आपको अपने पास रखने दिया है सो so, वो जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है इस कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इक्विटी तो पैसा जो मैंने रिटेन किया है बी उसको मैं कितना ग्रो करने वाला हूं एज पर हैं ना इक्विटी ओल्डर्स के रिटर्न कितना मैं देने वाला हूं दैट विल डिफाइन माय ग्रोथ कि भाई जो पैसा रखा उसको मैंने कितना और बड़ा करके दिया तो अभी देखो दो लाख रुपए मैंने तीन लाख रुपए मैंने अपने पास रख लिए एज रिटेंशन ये तीन लाख का अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं कहीं पे एक्सपानशन पे कंपनी के लिए यूज करता हूं और वो तीन लाख का तीन लाख तीस हजार कर देता हूं तो से मैंने यहाँ पे कंपनी को टेन परसेंट एक ग्रोथ ला के दिया so, जो मेरा बचा है उसके ऊपर कितना मैं रिटर्न ऑन इक्विटी लेकर दे रहा हूं दैट टेल्स के ओवरऑल ग्रोथ कितना हुआ है कंपनी का विच इज बी इंटू आर एंड मेरा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है के ई माइनस जी तो आपको क्या ओरिजिनल फॉर्मूला याद है डिविडेंड अपॉन केन अपॉन के सर बस उसी को आपको यहाँ पे यूज करना है बट इन द फॉर्म ऑफ ईपीएस इंटू वन माइनस बी अपॉन के रिटर्न ऑन इक्विटी जो आप रिटेन कर रहे हो उसके ऊपर आप कितना रिटर्न लाके दिखाओगे उससे डिटरमाइन होगा कंपनी का ग्रोथ इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखो अभी इंस्टीट्यूट की जहां तक बात है ना इंस्टीट्यूट ने यही दो फॉर्मूला दिए बट एक और फॉर्म्यूला बनता है बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने लिखा नहीं है बट इट इज फॉर द रीजन दैट आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं है मैंने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया है बट और एक बनता है उसके ऊपर एक सम भी भी है वो भी बता देता हूं आप लोग वाह सर ये तो कितना सिंपल है एंड दैट इज पी जीरो इज इक्वल टू क्या आपको याद है अपर लोग कर रहे थे डिविडेंड डी जीरो वन प्लस जी बस यहां पर यही है ईपीएस पी एस वन प्लस जी अपॉन तो -E so, कभी-कभी ये लोग इस बेसिस पे भी आपको पूछ रहे हैं तो अगर उसने पूछा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल डी वन अपॉन के पूछा अर्निंग बेटा अर्निंग ग्रोथ मॉडल तो बाकी जी क्या है ईपीएस क्या है ये सब तो आपको पता ही है एंड यू इफ यू वांट आपके पास उधर मैजिक बुक होगा उसमें आप लोग ये लिख सकते हैं नो वर्स एंड देन फिर बाद में आता है वॉल्टर्स वॉल्टर्स भी अच्छा उसका मॉडल है वो क्या बोलता है कि भाई देखो कंपनी डिविडेंड तो कमा ही रहा है एक शेयर होल्डर डिविडेंड तो कमा ही रहा है तो तो शेयर होल्डर के पास डिविडेंड आ गया तो अपन ने बोला यस सर शेयर होल्डर के पास डिविडेंड आ गया अपन ने यहाँ पे दे दिया टिक मार्क प्लस और क्या बच रहा है उसके पास सर अब बच रहा है डिविडेंड के पास रिटेन अर्निंग क्या रिटेन अर्निंग उसके पास इन्वेस्टर के पास आ रहा है क्या सर आ नहीं रहा है बट उस रिटेन अर्निंग को भी कंपनी और ग्रो करने वाला है सो so, अब ईपीएस था मेरा पांच रुपया फाइव लाख डिवाइड बाय वन लाख ईपीएस था पांच रुपया उसमें से दो रुपया तो डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को मिल गया तो वो दो रुपया इधर आपके आ गया बचा कितना बचा तीन रुपया सर सो तो ई e माइनस डी फाइव माइनस डिविडेंड का ट्रू तो कहना इसे तीन रुपया बचा मल्टीप्लाई बाय अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी का कि कंपनी उसके ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी लाके दे इसीलिए आप रिटर्न करके रख रहे हो एप्पल कंपनी का नाम तो सुना होगा एप्पल ने काफी साल तक अर्निंग्स अपने पास रखा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब फाइनली डिविडेंड दिया इट वेरी एट द सेम टाइम कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो भी इतना बढ़ गया वाई बिकॉज उन्होंने जो रिटेन अर्निंग रखा उसको उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो किया बेसिकली वो रिटेन अर्निंग के ऊपर दे गेव अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इक्विटी टू देयर शेयर होल्डर्स टू देयर शेयर होल्डर समझ में आ गया सो ई माइनस डी जो रिटेन अर्निंग बचा है उसके ऊपर आप जो रिटर्न लाने वाले हो वो भी एंड ऑफ द डे है तो इन्वेस्टर का ही है तो इन्वेस्टर का ही तो वो इन्वेस्टर को ही मिलना चाहिए एब्सोल्युटली करेक्ट ऑल ऑफ दिस डी प्लस ई माइनस डी जो रिटेन अर्निंग है मल्टीप्लाई बाय जो उसके ऊपर रिटर्न लाने वाला है ऑल ऑफ दिस जो भी है वो इन्वेस्टर को बिलोंग करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितना भी मिल रहा है उसको क्या ना इसे मैं डिस्काउंट करके ले आऊंगा एट द प्रेजेंट वैल्यू तो ये मैं ले आया बट एक आपको चीज यहां पे दिख रही होगी कि एक बार नहीं दो बार के ई को डिवाइड किया है सो so, इतना तो सर समझ में आ गया लॉजिकली कि डिविडेंड प्लस जो रिटेन अर्निंग है इनटू उसके ऊपर जो रिटर्न ऑन इक्विटी आने वाला है ये सब मिला के अपने को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है इज के बट यहां पे आर के बाद वापस से के किया है, सर बिकॉज रिकरिंग आपको जो भी आ, देखो अगेन बहुत ज्यादा डेरिवेशन में जाने का टाइम नहीं है बट आपका जो भी रिटेन अर्निंग है उसके ऊपर आपको जो भी रिटर्न मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू अक्रू टू यू ऑन अ ईयर ऑन योर बेसिस तो वो जितना भी आपके पास रिटेन अर्निंग आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन आई से उसको भी मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आऊंगा तो टोटल मुझे पता चल जाएगा भाई कितना मेरे को पैसा मिलने वाला है विच विल अगेन वॉट एट सो इसके लिए यहां पर आप लोग दो बार क्या करते हो उसको के ही से डिवाइड करते हो. So ये एक मेरा के ही से मैंने डिवाइड किया फॉर रीजन दैट फॉर रीजन दैट ये ग्रोथ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल कीप ऑन गेटिंग इट उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ, प्लस जो डिविडेंड है दोनों को ऐड करके वापस फाइनली प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ विल गिव मी माई वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर सो अर्निंग्स के थ्रू मैंने तीन सीखे वो फटाफट अभी का भी। इधर मैं लिख लेता हूं आप लोग भी मेरे साथ कहीं पे हो तो लिख लो या फिर मेमोराइज कर लो मेरे हिसाब से जो मैंने आपको बताया लॉजिक पहला है गोर्डन तो अर्निंग कर रहे हैं अपन लोग अर्निंग में तीन तरीके मैंने देखे एक तरीका मैंने देखा है गोर्डन का जो मुझे D1 वन अपॉन के माइनस जी की याद दिलाता है बट उसको मेरे को यहां पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा ईपीएस बी अपॉन के ई माइनस बी आर क्या मुझे B पता है आंसर इज यस B इज रिटेंशन रेशियो जो मैं अपने पास रख रहा हूं जो बच गया वो डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गया सो ईपीएस जो मैंने कमाया उसमें से जो बच गया अपने पास रखा जो वन माइनस बी अपने पास रख लिया उसके बाद क्या बचता है डिविडेंड सो ईपीएस इंटू वन माइनस बी इज बेसिकली डिविडेंड अपॉन के माइनस बीआर आर क्या है बेसिकली मेरा ग्रोथ है जो भी मैं रिटेन कर रहा हूं उसके ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी लाने वाला हूं दैट बेसिकली इज माय ग्रोथ सो डी वन अपॉन के माइनस जी के थ्रू समझ गया फिर अगर कोई मुझे पूछे कि नहीं नहीं भाई हमको तो अर्निंग ग्रोथ मॉडल चाहिए अर्निंग ग्रोथ मॉडल के हिसाब से मुझे बताओ तो अगर किसी को अर्निंग ग्रोथ मॉडल के हिसाब से चाहिए तो बोल देंगे अपन ले भाई ईपीएस इनटू इंटू वन प्लस ग्रोथ अपॉन के माइनस जी चल भाई ये तरीका भी आ गया और तीसरा है मेरा वॉल्टर्स मॉडल ये तो काफी फेमस है इंटरमीडिएट में भी आप लोग ने किया होगा ये लोग बोलते हैं कि भाई देखो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल गया प्लस इक्विटी शेयर होल्डर ये जो बच गया ई माइनस डी इक्विटी शेयर होल्डर का ही है क्यों तुम्हारे पास रखा है ताकि तुम इसके ऊपर रिटर्न लेकर आओ ये सारा का सारा डिस्काउंट एट प्रेजेंट वैल्यू बट जो रिटर्न अर्निंग है वो मेरे को रेगुलर बेसिस पे मिलेगा सो दिस विल बी डिवाइडेड के क्या आप लोग को ये तीनों फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट हो गया अगर हाँ देन इन दैट केस कमेंट में लेकर बताओ ऑल थ्री इक्विटी फॉर्मूलाज डन सर तो मैं ऐसे ही आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज दिमाग में सेट करवा दूंगा अभी क्लियर सो ये हो गया मेरा अर्निंग बेस्ड मॉडल चलो गैस, अब यहाँ पे जो चीजें लिखी है आई एम श्योर आप लोगों को पता ही है पहला लिखा है ईपीएस 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 क्या होता है वी नो एट द द एंड ऑफ ईयर मतलब जैसे डी जीरो प्लस ग्रोथ वैसे ईपीएस ईपीएस जीरो दिया होगा ग्रोथ दिया होगा ईपीएस जीरो प्लस ग्रोथ स्पेशली दिस विल बी यूज वेन यू आर यूजिंग द अर्निंग ग्रोथ मॉडल फिर बाद में पी जीरो करंट मार्केट प्राइस पर शेयर आर रिटर्न ऑन इक्विटी जो भी आपका इंटरनल रिटेंशन होगा ना भैया उसको मल्टीप्लाई बाय आर करना है रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर आता है के एंड ऑफ B इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो डिविडेंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ईपीएस फिर आते हैं ई e, इधर आप लोग देखो कि EPS, अब ये देखो, EPS में मैंने क्या लिखा है बीवीपीएस इन एक

पर शेयर बेसिकली क्या हुआ कि भाई जो भी पैसा बच रहा है फॉर एक्सक्लूसिवली द शेयर होल्डर सो बीवीपीएस इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है दैट इज योर ईपीएस इन टू आर ओ रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑल्सो ईपीएस जो आगे एग्जाम्पल uh, में काम आएगा सो जस्ट टेलिंग यू बिफोर हैंड फिर आता है डीपीएस डीपीएस अपने को बताइए डिविडेंड पर शेयर अगर उसको दूसरे फॉर्मुला में लेना है तो ईपीएस इंटू वन माइनस तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ही था कि ये बेसिकली ईपीएस इंटू वन माइनस बी घूम फिर के, के डिविडेंड ही होने वाला है वन माइनस बी का मतलब होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो देखो ईपीएस दो पार्ट में डिवाइड होता है एक होता है बी रिटेन अर्निंग वन माइनस बी डिविडेंड पे आउट फिर आता है अर्निंग पर शेयर डिविडेंड पर शेयर एंड बुक वैल्यू पर शेयर सो आई होप वी आर वेरी क्लियर विद ऑल ऑफ थ्री फॉर्मूलाज एंड शॉर्टकट पब्लिक को बहुत यहां पे तकलीफ होता है बट आई एम श्योर अभी ये चीजें समझ गई होगी फिर होता है पी मल्टीपल पी रेशियो या मल्टीप्लायर अप्रोच पीई का मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब फॉर एवरी रुपी इंक्रीज इन ईपीएस आपका इन्वेस्टर कितना एक्स्ट्रा देने को रेडी है उसको बोलते हैं पीई रेशियो फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का पीई रेशियो है 22 तो अगर एक रुपया आपके इन्फोसिस ने अर्निंग पर शेयर कमाया सो वन इंटू 22 टू ट्वेंटी से मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा इन्फोसिस का कभी अडानी का आपने पी रेशियो देखा है क्या क्यों अडानी का शेयर इतना भागता है क्योंकि अडानी का पी रेशियो है 125, 130 मतलब एक earning per share अगर अदानी ग्रुप ने लेकर आया तो 120 रुपीस से उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा that basically is represented by P ratio tells the amount that the shareholder is ready to pay for every rupee earned by the company are we clear so एवरी रूपी मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस पर शेयर है पे देख सकते क्या ईपीएसो इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिटन नंबर आई थिंक वी नो दिस मच और राइट पी रेशियो के लिए भी एक फॉर्मुला है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टकट बता देता हूं आगे वाले समय यूज आएगा डेवेशन में नहीं जाऊंगा बट यू कैन जस्ट राइट इट वी विल बीजिंग इट वेरी अब ये जो मैंने इधर पी, पी जीरो निकाला है ये जो मैंने इधर पी, पी जीरो निकाला है ये जो पी जीरो निकाला है ये जो इधर पी जीरो निकाला है जो भी ये येलो में हाईलाइट किया है ये जो मैंने निकाला है इसको बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ शेयर मतलब आइडियली आपके शेयर का वैल्यू इतना होना चाहिए बट क्या मार्केट में एग्जैक्टली exactly इतना ही होगा क्या द आंसर इज नो मार्केट है ना डिमांड और सप्लाई एंड सेंटिमेंट के बेसिस पे फंक्शन करता है सो so, अभी फिलहाल इंट्रेंसिक वैल्यू हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए इतना बट मार्केट ऑब्वियसली अपने डिमांड सप्लाई के हिसाब से कुछ अलग ही उसमें प्राइस होगा बट वी नो दैट इवेंचुअली एक बार ध्यान रखना द मार्केट विल करेक्ट इथ सेल्फ एंड वो ये टेक्निकल प्राइस के ऊपर आ ही जाएगा ये इंट्रेंसिक प्राइस के ऊपर इसको क्या बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू इस प्राइस के ऊपर आ ही जाएगा तो आज आपको देखने का भाई इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है फिर देखने का मार्केट प्राइस कितना है अपने को पता है कि घूम फिर के मार्केट तो प्राइस इधर ही आने है तो सपोज इंटरेंसिक प्राइस इतना है और मार्केट प्राइस यहां पर चल रहा है घूम फिर के मार्केट प्राइस यहां आने ही वाला है

अपन बोल देंगे यार दस रुपए की चीज मार्केट में बारह रुपए में रही है चलो इसको भेज दो क्योंकि इवेंचुअली मार्केट प्राइस बारह से दस पे आने वाले आज ही अपन लोग बेच के प्रॉफिट कमा लेते हैं उल्टा अगर समझो ये दस का है और मार्केट में प्राइस फिलहाल चल रहा है सेवन देन इन दैट केस वी विल बाय बिकॉज अपने को पता है आज सेवन में बाय करेंगे इवेंचुअली इंट्रेंसिक वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो दस रुपए पे अपने को तीन रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा समझ में आया तो जब इंट्रेंसिक वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू दस पे है और मार्केट प्राइस बारह पे है तो आप क्या करोगे सेल करोगे सो मार्केट प्राइस मोर देन इंट्रेंसिक वैल्यू या इंट्रेंसिक वैल्यू लेस देन मार्केट प्राइस वी विल सेल द सिक्योरिटी इंट्रेंसिक वैल्यू दस पे है मार्केट प्राइस सात पे चल रहा है आपने को पता इवेंचुअली इधर ही जाएगा आज का आज ही इसको आप खरीद लोगे वैल्यूड so, है बाय द सिक्योरिटी एकदम सही प्राइस पे चल रहा है तो आप बाय करके रखो फिर जैसे जैसे का होगा, इस हिसाब से लेते जाएंगे आई होप आप लोगों को गाइज अर्निंग बेस्ड सिस्टम भी समझ में आ गया होगा अब इसके बेसिस पे मैंने लिए है दो सम्स देखना एक झटके में आप लोग ये दो आर फ्रॉम आईसीए

अपने को जो जो समझ में आ रहा है लिखते जाएंगे तो अपना सम भी फटाफट सॉल्व होते जाएगा तो बुक वैल्यू पर शेयर है, है, मतलब है, मतलब है, है मेरा जीरो पॉइंट इज नथिंग बट नाई डिविडेंट समझ में आ गया एवरीबॉडी डन इट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एटीन इस पर अपने डिस्काउंट करना है कंप्यूट द प्राइस ऑफ शेयर टूडे यूजिंग डिविडेंड मॉडल एंड वॉल्टर मॉडल तो चलो आप फटाफट डिविडेंड मॉडल यूज कर लेते हो तो डिविडेंड मॉडल के लिए डिविडेंड पता, पता है क्या जीरो पॉइंट फोर क्या आप दिख रहा है यह डिविडेंड का परसेंटेज है कि इतना EPS में से इतना ईपीएस में से जस्ट अटो डिविडेंड का रेशियो है जीरो पॉइंट फोर

फिर बोला था ग्रोथ इन डिविडेंड वुड बी हाउ मच अब ग्रोथ क्या होता है, B अगर है तो जीरो आर रिटेंशन इन टू आर आप कितना रिटर्न ला के दोगे हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को 15% परसेंट सो कैन आई से 9% परसेंट का बेसिकली आप ग्रोथ कर रहे हो एंड इज नाइन जीरो पॉइंट जीरो नाइन बस अब फॉर्मूला को यूज करना है एट पॉइंट टू सेवन अपॉन डिडेंड को, तो तो को यहाँ पे एड कर लिया कर लिया सर प्लस अब जो रिटेन अर्निंग बच गया तो रिटेन अर्निंग बचा कितना अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड विच इज 60 परसेंट वाला पार्ट तो 20.67 का 60 परसेंट मेरा इधर बच गया तो इधर है ना ये e d के जगह पे मैं फॉर्मूला में b ऐसा भी लिख सकता हूं कैन आई इसे अब मेरा रिस्पांसिबिलिटी है कि मैं इक्विटी शेयर होल्डर को इस रिटेन अर्निंग के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी लाके दूं व्हिच इज 15% तो आइडियली मेरे को इधर लिखना चाहिए 0.15 पॉइंट शायद मिस आउट हो गया प्लीज आप लोग वो लिख लेना या तो 0.15 अब ये सारा जो 20.67 8.27 जो नहीं है उसके ऊपर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी लाऊंगा ये योर ऑन योर आई विल कीप ऑन गेटिंग बेस्ड ऑन ग्रोथ तो उसको मेरे को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा विच इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विच इज जीरो टोटल अब जो पैसा आया है ऑल ऑफ दैट डिवाइड बाय अगेन जीरो पॉइंट 0.18 will finally give me the price of equity share which should be as of today based on walter's model clear everybody so ye mera dividend wala model le walter wala model le lo अब मैं कंफर्टेबल हो गया हूं मैंने वो फॉर्मूला भी यूज कर लिया ईपीएस आईसीएआई मॉड्यूल इसमें मैंने ये दो चीजें जो यहां पे आपको लिखवाई है पी इज इक्वल टू ईपीएस वन प्लस जी अपॉन के माइनस जी जो अर्निंग ग्रोथ मॉडल है एंड पी रेशियो जो मैंने आपको बोला कि भाई पी रेशियो इज बेसिकली योर

के ई माइनस जी ग्रोथ इज जीरो करने के बाद वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एस थर्टी फर्स्ट पार्ट इसी के साथ हो गया मेरा कंप्लीट इज द ओवर वैल्यूड इफ स्टॉक प्राइस इज देखो अब यहाँ पे अपन लोग ने जो फॉर्मूला सीखा गया था ना ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है सेल सिक्योरिटी बाय सिक्योरिटी अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया बेटा सो इज द स्टॉक ओवर वैल्यूड इफ स्टॉक प्राइस इज रूपीज थर्टी फाइव

अब आ जाता है पी मल्टीपल अप्रोच के ऊपर पी मल्टीपल अप्रोच बोलता है दैट मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू पीई ईपीएस क्वेश्चन में ईपीएस बैठा बैठा डायरेक्टली दे दिया है टू पॉइंट टू फाइव ओके सर

बट मार्केट में अगर ये बिक रहा है थर्टी फाइव रुपीज में तो वी विल से इट इज ओवर वैल्यूड बेच दो भाई बेच दो क्योंकि इवेंचुअली पच्चीस रुपए पे आएगा आज तुमको तो पैंतीस रुपए में बेच के निकल जाना है सो एक्चुअल स्टॉक प्राइस इज आयर इट इज ओवर वैल्यूड समझ में आया एंड देन यहां पे मेरा इंट्रेंसिक वैल्यू आ रहा है थर्टी टू पॉइंट सेवन नाइन

अपन बाय करेंगे Otherwise, ये दोनों सिचुएशन में है, अपन सेल करेंगे। few examples, होता है. अब मैं चलूंगा मेरे नेक्स्ट के तो देखो एक था, फिर मैंने क्या बोला था राइट शेयर बॉन्ड डिवेंचर एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट तो पहला गेम कदम अब चलेंगे दूसरे के ऊपर सेकेंड एंड थर्ड इज वेरी इजियर बॉन्ड्स सबसे खतरनाक एंड ग्रेट है एंड अगेन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी इजियर है फटाफट फड़ हो जाएगा तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट दिच इज द वैल्यूएशन ऑफ राइट अब चलते हैं वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर्स के ऊपर राइट शेयर्स क्या होता है क्या आपने को पता है द आंसर इज यस कि भाई देखो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर में पहली बार तो जो भी शेयर होल्डर्स है उनको शेयर मिल जाते हैं और कंपनी को पैसा मिल जाता है अब फ्यूचर में हो सकता है कंपनी को और पैसों की जरूरत पड़े एक्सपानशन के लिए तो वो क्या करेगी जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना उनको बोलेगी कि भाई देखो हम शेयर इशू कर रहे हैं और हम तुम्हारे को देते हैं राइट right, आप पहले हमारा शेयर ले लो तो आपका जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है वो बोलेगा कि सर हम ले तो लेंगे बट क्या आप सेम प्राइस पे दोगे क्या तो अगर सेम प्राइस पे देने वाले होते तो मार्केट से कोई भी उठा लेगा तो कंपनी क्या करती है राइट शेयर यूज डिस्काउंट पे इश्यू करती है समझ में आया आपको सो so, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसको अगर मिला कोई शेयर ऑब्वियसली उसको एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा वो डिस्काउंटेड प्राइस का वर्किंग एंड इश्यू करने के बाद जो प्राइस बैठ रहा है राइट right शेयर का मार्केट में ऑल ऑफ दैट इज नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर मैंने क्लासिक दो एग्जांपल लिए जिससे आप लोगों को ये एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा आओ इफ अ कंपनी वांट्स टू रेज मोर कैपिटल आफ्टर आईपीओ इट कैन अप्रोच द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स additional shareholders are given existing at discount right shares ka impact kya number of shares badhta hai yes why number of shares badhega kyunki aap existing shareholders ko aur shares de rahe ho kya market capitalization badhega yes chances are ki market capitalization badhega because ab same company के ज्यादा shares है market में and EPS और MPS will decrease. ऐसा क्यों होगा पता है क्या Because जब मैंने नया shares issue किया तो कहना से वो मैंने कम प्राइस के ऊपर इश्यू किया है राइट सो मार्केट प्राइस पर शेयर अब आपका कम हो जाएगा बिकॉज मार्केट में सेम चीज कम प्राइस में मिल रहा है सो मार्केट प्राइस यूजुअली डिक्रीज हो जाएगा ईपीएस भी डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज अब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं सो so, जो प्रॉफिट पहले दस हजार शेयर में डिवाइड होता था अब वही प्रॉफिट ज्यादा नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड होगा ईपीएस भी कम हो जाएगा एनीवेज ये जस्ट एक जनरल इन्फो था मेन गेम स्टार्ट होता है यहां पे एंड दैट इज फर्स्ट कैलकुलेशन विच इज एक्स राइट प्राइस या जिसको अपन लोग बोलेंगे थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस आओ थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस का मतलब होता है कि इश्यू करने के बाद राइट राइट शेयर्स इशू करने के बाद कितना प्राइस होने वाला है इक्विटी शेयर्स का सो so ये देखो इधर मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर इशू ऑफ राइट्स और मार्केट प्राइस आफ्टर राइट्स इशू क्या सर उसमें चेंज आएगा मैंने आपको बोला द मार्केट प्राइस विल डिक्रीज क्यों ऐसा बिकॉज पहले जो सेम चीज जो सेम शेयर सौ रुपए में बिकते थे अब कुछ शेयर होल्डर को एट्टी रुपीज में बिके हैं तो ऑब्वियसली उसको आप जब वेटेड एवरेज करोगे तो इट विल गो डाउन मैथमेटिकली उसको समझाने के लिए मैंने लिया यहां पे देखो एक क्लासिक एग्जांपल जिससे आपको ये चीज समझ जाएगी ये देखो करंट रुपीज हंड्रेड है मेरे पास टोटल टेन थाउजेंड शेयर राइट प्राइस अब मैं डिस्काउंट में देने वाला हूं मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कितना एटी पे आप लोग को मैं मेरा शेयर्स दे दूंगा भले ही मार्केट में 100 में चल रहा है

आ गए मेरे पास तो कह रहा इसे टोटल 14 लाख रुपीस आ गए बट ये 14 लाख के सामने मेरे पास अब 15000 शेयर्स है सो नाउ माय एक्स राइट्स प्राइस थ्योरेटिकल एक्स राइट्स प्राइस जो आपको नाम दे रहा है इज गोइंग टू बी 93.33 so 93.33 अब इशू के बाद का प्राइस आ जाएगा समझ आया क्यों क्योंकि वेटेड एवरेज की वजह से ओवरऑल वो 80 जो 5000 शेयर्स 80 में इशू किया है उसकी वजह से मेरा एवरेज जो 100 का था वो कम हो जाएगा एंड इट इज नाउ 93.33 एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज द थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस अब अगर आप लोग यहां पे नोट करोगे तो फॉर्मूला देखो पीओ जो करंट मार्केट प्राइस है इनटू एनएस जो करंट नंबर ऑफ शेयर्स है सो 10000 शेयर्स है इनटू पीओ करंट मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस एनआर इनटू आर आर का मतलब क्या होता है राइट का जो प्राइस है एट्टी रुपीज है वो इन टू कितने राइट इशू में मैंने शेयर दिए हैं एन आर नंबर ऑफ शेयर इन राइट डिवाइड एन एस प्लस एन आर ये सब मिला के बनता है मेरा एक्स प्राइस क्लियर एवरीबॉडी सो अब के लिए इतना तुम लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट वी एक्स वाला पार्ट अभी नीचे है वैल्यू ऑफ राइट तो वो भी मैं बता देता हूं डोंट वरी सो ये समझ में आ गया एक्स राइट प्राइस एग्जाम्पल ये वाला यूज करेंगे तो एकदम ही इजी लगेगा दस हजार शेयर एट द रेट करंट प्राइस ऑफ हंड्रेड एट्टी के प्राइस पे और पांच हजार किया तो वेटेड एवरेज किया मैथमेटिकली जो ओवरऑल प्राइस हंड्रेड से कम हो जाएगा टी जीरो इज नथिंग बट करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एन एस नंबर ऑफ करंट शेयर एनआर नंबर ऑफ राइट शेयर गिवेन एंड आर क्या है मेरा आर इज बेसिकली राइट प्राइस एटी रुपीज में मैंने शेयर इशू किया क्या आपको एक्स राइट प्राइस समझ में आ गया ये yes, सर समझ में आ गया अब आते हैं वैल्यू ऑफ राइट मतलब पहले कितना था कम राइट प्राइस मतलब राइट्स इश्यू करने के पहले क्या प्राइस था सर हंड्रेड अब क्या प्राइस हो गया है सर अब हो गया नाइन्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री सो हंड्रेड माइनस नाइंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री कितना आ गया? का मिल गया है यहां पे जो परचेजर है या फिर सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन का उसका उतना वैल्यू कम हो गया वैल्यू ऑफ राइट इज दैट पार्ट कॉल्ड एज सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन क्लियर एवरीबॉडी सो प्राइस ऑफ शेयर बिफोर राइट इश्यू डिस्काउंट हो गया तो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन उसे आप कैलकुलेट कर पाओगे यहाँ पे एक्स राइट प्राइस विच वर्क आउट टू नाइन थ्री पॉइंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री समझ में आ गया एवरीबॉडी Got it? So, गया आपका वैल्यू ऑफ आप राइट यूज़ुअली आप पीओ माइनस एक्स राइट प्राइस से ही कैलकुलेट कर पाओगे फिर भी अगर और डिटेलिंग में करना हो आपको तो यहां पे देखो ये भी आप यूज कर सकते हो एक्स राइट प्राइस एक्स राइट प्राइस कितना है नाइनटी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री अपने वाले एग्जाम्पल में बस ये एग्जाम्पल को एकदम बांध के रख लो एंड का काम आएगा एक्स राइट प्राइस नाइनटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री माइनस एक राइट मैंने कितने में दिया

एक राइट right शेयर कब मिला है जब मेरे पास ऑलरेडी दो शेयर है टू so, right कर लिया सिक्स सेवन इज द वैल्यू ऑफ राइट ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है इसको आपको और लॉजिकली समझना है तो यू कैन टेक इट दैट वे आल्सो दैट 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 इसको ऐसे भी आप इंटरप्रेट कर सकते कि बोस देखो मेरा आज की तारीख में प्राइस हो गया है मार्केट में ये शेयर का एटी, पहले मेरा शेयर का प्राइस था मतलब मेरे को राइट शेयर होल्डर को सेम चीज एटी रुपीज में मिली है तो कहना है इसे मुझे थर्टीन पॉइंट का डिस्काउंट मिला है भाई आज मार्केट में पे ये बिकने वाला है ये शेयर क्योंकि उसका बैक साइड प्राइस हो गया मेरे को तो सेम चीज एट्टी रुपीज में मिली है तो मुझे तो थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री का डिस्काउंट मिला है बराबर है बट ऐसा नहीं है कि एक शेयर के सामने एक शेयर दो शेयर के सामने एक शेयर का मेरे को डिस्काउंट मिला है बाय सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन पर शेयर का मेरे को डिस्काउंट मिला है अभी क्लियर एवरी वन सही है अब आगे बढ़ते हैं अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं रिनाउंसिंग द राइट शेयर से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसा ही नहीं है मेरे पास अगर पैसा ही नहीं है तो मैं लूंगा कैसे खरीदूंगा कैसे तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को नहीं लेना है तो मेरा एक फ्रेंड है जो बोलता है कि यार सुन तेरे को नहीं खरीदना है कोई बात नहीं मैं तेरे पास से खरीद लेता हूं ये राइट शेयर बोला नो no प्रॉब्लम तो देखो मार्केट में तो सौ रुपए में मिल रहा है बट ऑब्वियसली वो तो

ठीक है राइट परचेज बाय ओरिजिनल इन्वेस्टर तू मार्केट में एट्टी रुपीज कंपनी को दे दे एंड थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री मेरे को दे दे तो हो सकता है वो आपको बोले आपका फ्रेंड अगर ऐसा है तो मैं मार्केट से ना ले लू क्या राइट इश्यू के बाद मार्केट में पॉइंट थ्री थ्री होने वाला है अग्री बट क्या वो सस्टेन रहेगा नाइनटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री से फिर बढ़ते गया तो मिस हो जाएगा उससे अच्छा एटलीस्ट मैं तेरे को कंफर्म दे रहा हूं नाइनटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री में क्योंकि एट्टी रुपीज तेरे को कंपनी को देना है ठीक है 13.33 मेरे को दे रहा है तो टोटल कॉस्ट उसके लिए हो जाएगा 93.33 व्हिच इज नाइनटी थ्री प्राइस इसमें मुझे क्या फायदा हुआ मुझे वो 93.33 दे देगा उसमें से 80 मैं कंपनी को दे दूंगा जो मेरा राइट्स प्राइस है मुझे 13.33 का फायदा हुआ पर राइट्स इशू एंड वो हो गया मेरा रिनाउ प्रॉफिट ऑन रिनाउंसमेंट वो हो गया मेरा प्रॉफिट ऑन रिनाउंसमेंट नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जिसको बोला है इफेक्ट ऑफ राइट इशू ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ सबसे पहला है इफ शेयर होल्डर इग्नोर द राइट इशू बोलता है इग्नोर right right करते मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है सपोज अगर ऐसा करता है तो मैं आपको बता दू यू आर देन मेकिंग लॉस बिकॉज आपके पास जो शेयर है ना वो मार्केट में सौ रुपए के थे अब आपने राइट इश्यू को इग्नोर कर दिया अब वो सेम चीज हो गई है नाइनटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री की सो so, आपको तो नुकसान हो गया ना सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन का उससे अच्छा वो जो आपको शेयर मिल रहे हैं एट्टी रुपीज में वो ले लो सो एटलीस्ट लेवल आउट हो जाएगा एवरेज आउट हो जाएगा सो so, इसके लिए अगर आप उसको पूरा इग्नोर कर देते हो ना तो सीधा सीधा आपको उतना लॉस है क्या वैल्यू ऑफ राइट वैल्यू बिफोर राइट इशू तो जो भी ओरिजिनल शेयर का प्राइस था सौ वैल्यू आफ्टर राइट इशू नाइनटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री हो गया है सो so, यहाँ पे यार सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन सीधा मेरा एक शेयर के ऊपर कम हो गया सपोज पहले दस हजार शेयर था तो दस हजार शेयर तो सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन थाउजेंड कैन सेवन हंड्रेड का बैठा बैठा लॉस हो जाएगा तो चुपचाप नहीं बैठने का शेयर इशू आया तो या तो सब्सक्राइब कर लो या रिनाउंस कर लो तो सर सब्सक्राइब किया या रिनाउंस किया तो कोई फायदा या नुकसान होगा क्या आओ देखते हैं तो सेकंड पार्ट में आ जाओ उस चीज के लिए इफ शेयर होल्डर एक्सरसाइज द राइट इशू मतलब उसने बोला कि नहीं मैं लेना चाहूंगा तो अब पहले क्या था मेरा वैल्यू बिफोर राइट इशू तो यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग एमपीएस था मेरा सौ रुपया राइट अब टोटल शेयर इंक्लूडिंग राइट शेयर बट मल्टीप्लाई बाय एक्स राइट प्राइस अब मेरे पास टोटल शेयर हो गए भाई पांच हजार मिलाना यार प्लीज ये एग्जाम्पल आप लोग के लिए बनाया तो दस हजार शेयर था मेरे पास अब और पांच हजार मिल गया तो पे अपन लोग बोलेंगे कि भाई अब मेरे पास फिफ्टीन थाउजेंड शेयर मल्टीप्लाईज इंटू नाइंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री विल वर्क आउट टू अप्रोक्सीमेटली फोर्टीन लाख रुपीज टू अप्रोक्सीमेटली फोर्टीन लाख रुपीज तो आज की तारीख में मेरा दस लाख से बढ़कर फोर्टीन लाख रुपीज हो गया है पहले दस लाख था ना अब चौदह लाख हो गए तो चार लाख बढ़ गया नो no, सर ये चौदह लाख तो हो गया बट इस चौदह लाख करने के लिए आपने चार लाख का खर्चा किया है कौन सा अमाउंट पेड टू अक्वायर राइट्स इशू आपको कितना राइट शेयर मिला सर फाइव थाउजेंड राइट शेयर मिला सो फाइव थाउजेंड शेयर आपको राइट में मिला इन टू एक शेयर का कितना है अस्सी पर शेयर एक शेयर का है अस्सी पर शेयर तो चार लाख ,00 रुपया मेरा इधर माइनस एंड फाइनली मैं दस लाख ,00 पे ही खड़ा हूं तो या इसका मतलब क्या हुआ कि नो चेंज बॉस क्या बोला नो चेंज इन वैल्यू नो चेंज इन द वैल्यू पहले भी दस लाख था अभी भी दस लाख है अगर सब्सक्राइब करता हूं तो तो सर क्यों सब्सक्राइब करना क्योंकि नहीं सब्सक्राइब करूंगा तो मेरा वेल्थ डिग्रेड हो रहा है, हो रहा है। उससे तो, अच्छा तो, 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 तो सेम वैल्यू बिफोर राइट्स इशू कह रहे का मेरा वैल्यू था से टेन थाउजेंड शेयर इंटू एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस पर शेयर हंड्रेड पर शेयर तो ये हो जाता है मेरा दस लाख ओरिजिनल शेयर इंटू एक्स राइट प्राइस अब मेरा ये हो गया है टोटल देखो अब मैंने तो राइट्स ये कर दिया मैं बोला कि यार मेरे को तो नहीं चाहिए रिनाउंस कर रहा हूं मैं तो अब मेरे पास तो अभी भी दस हजार के दस हजार शेयर ही है भाई मेरे पास तो अभी भी दस हजार के दस हजार शेयर ही है इन टू नाइनटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री जो वैल्यू चल रहा है इन टू नाइनटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री जो वैल्यू चल रहा है तो ये हो गया मेरा नाइंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री इन दस हजार नाइन थर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सो नाइन पॉइंट थ्री थ्री लैक्स लैख्स प्लस बट मेरे पास रिनाउंस का जो पैसा है वो सीधा सीधा का मेरे जेब में आया है तो वो प्रॉफिट कितना है पब्लिक वो देखो सो देखो नंबर ऑफ राइट शेयर कहना पांच हजार शेयर मैंने अपने दोस्त को बेच दिया है आई एम सो हैपी पांच हजार शेयर

So I will multiply this by 13.33. So number of rights into X rights price. Oh, either I think it is missed okay. X rights price here, 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 minus R. So rights ka price. Hai. So 5000 into 13.33. And that is that is 66,650. Plus 9 lakh 33,300. अप्रोक्सीमेटली घूम फिर वही एंड रुपीज तो आप करो, करो, सेम चलेगा, नहीं बट अगर कुछ ना करो तो सिक्सेंड का लॉस हो गया एटलीस्ट वो तो ना होने देना समझ में आ गया दिस वॉज अबाउट द होल राइट इशू जो भी आपको एग्जाम में आ सकता है वो सारी चीजें मैं बता चुका और मैं आपको बोलू ये एमसीक्यूज में आ सकता है ध्यान में रखना ठीक है मेरे से एक यहाँ पे आई uh, थिंक टाइप होना प्लीज तुम लोग अपने उसमें कर देना, अपने उसमें ऐड मैजिक बुक में प्राइस माइनस पे बोलेंगे uh, तो देख इशू के बाद नाइनटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री होने वाला है ठीक है नाइंटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री में मैं तेरे को बेचता हूं ठीक है? है ओके दिया 93.33 में से 80 रुपीस तो मेरे को देना ही है कंपनी को नेट मेरे पास कितना बचा 13.33 या तो मैं उसको बोलता हूं मैंने कंपनी को तेरा नाम दे दिया तू कंपनी से डायरेक्टली बात कर ले मेरे को 13.33 दे दे तो वो 13.33 आपको दे देगा बाकी कंपनी को 80 रुपीस दे देगा कंपनी टोटल राइट साइड कितना दे रही है फाइव तो फाइव थाउजेंड मेरे जेब में आ गया दैट इज सिक्सटी

ठीक nice. no तो उतना ही रहेगा वो चलेगा अब तुम लोगों को मैंने बोला था कि बॉस एक क्लासिक एग्जाम्पल करवाऊंगा आईसीआई का वैसे तो मेरा ही एग्जाम्पल क्लासिक था जो मैंने यहाँ पे कराया प्लीज इसको लिख लेना मजा आ जाएगा बट फिर भी तुम लोगों के लिए मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का भी एक एग्जांपल लेके रखा है उसका फर्स्ट पार्ट अपन अभी करेंगे इसका सेकेंड पार्ट आप लोग ट्राई करना जब आपको टाइम मिले एंड थर्ड पार्ट भी अभी अपन लोग साथ में कर लेंगे बहुत सिंपल सा बट ऐसे ही कुछ एग्जाम में आता है इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऐसा कुछ क्वेश्चन में वो लोग है ना क्या क्या करेंगे पता है क्या? ऐसा क्वेश्चन दे देंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि चलो इसके बेसिस पे आप एमसीक्यू का आंसर दो सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू पेड एंजन ए बी सी लिमिटेड शेयर आर करेंटली सेलिंग एट रूपीज थर्टीन पर शेयर देर आर टेन लैक्स शेयर आउटस्टैंडिंग

दो के सामने so, I think two is one का इंटरप्रिटेशन सही रहेगा तो बॉस मेरे को पे फिर फिर ऐसा ऐसा लिखने दो यार, वरना फिर आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? के so, के सामने सामने एक right share आपको मिलेगा, क्या? तो right so, मेरे पास दस लाख शेयर है देर आर टेन लैख शेयर आउटस्टैंडिंग सो टेन लाख शेयर के सामने मेरे को बताओ राइट right शेयर्स कितना इशू होगा कंपनी कितना इशू करेगी फाइव लाख शेयर्स इशू करेगी टोटल कंपनी कितना पैसा रेस करना चाहती है पांच लाख शेयर से बीस लाख ,00 रुपया मतलब राइट प्राइस आर कितना हुआ कैन आई से फोर बीस लाख आपको मिलने वाला है पांच लाख शेयर इश्यू करके कैन आई से आपको चार रुपए में चार रुपए में आप बेसिकली आपका राइट right शेयर्स बेच रहे हो अब इसकी वजह से जो मेरा एवरेज प्राइस थर्टीन पे चल रहा है कैन आई से वो कम हो जाएगा कम हो जाएगा लॉजिकली मैथमेटिकली सो अब मेरे को वो फाइन करना है तो मैं बोलूंगा कि देखो थर्टीन पर शेयर के हिसाब से टेन लैख ,00 अब बाकी के जो शेयर है पांच लाख शेयर वो तो अब चार रुपए में दे रहे तो बीस लाख रुपए हुआ है बट एवरेज टोटल वर्क आउट टू फिफ्टीन लैख से टेन रुपीज का टेन रुपीज का मेरा एक्स राइट प्राइस हो गया यस सर टेन रुपीज का मेरा एक्स राइट प्राइस हो गया और इस टेन रुपीज के एक्स राइट प्राइस में से अगर मैं ये सॉरी टेन रुपीज का एक्स राइट प्राइस हो गया और मेरा करंट मार्केट प्राइस है थर्टीन तो अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो तो वी एक्स इज इक्वल टू पी जीरो माइनस एक्स राइट प्राइस पी थर्टीन एक्स राइट प्राइस टेन तो वी एक्स कितना हुआ सर वी एक्स तीन रुपया हो गया वी एक्स तीन हो गया अभी इन्होंने उसको थोड़ा और टेक्निकली है टू किया, तो आपको मिल गया थ्री उससे अच्छा डायरेक्टली कर देता हूं ना मैं क्या भाई कम राइट प्राइस कितना है पहले कितना था थर्टीन अब इशू के बाद कितना हो गया है दस तो कहना है इससे कितना हुआ तीन रुपया बात खत्म नेक्स्ट सेकेंड पार्ट बस पे काम आ जाएगा two, so, अब लाख रुपए आपको चाहिए बट आप दस लाख के सामने खाली टू लाखी थाउजेंड राइट शेयर दे रहे हो तो so, टू लाख फिफ्टी थाउजेंड राइट शेयर इज नाउ वॉट यू आर गोइंग टू गिव उसके लिए बीस लाख रुपए मंगवा रहे हो तो मतलब आठ रुपए का आपने सब्सक्रिप्शन प्राइस रखा है विच इज योर आर बस उस हिसाब से आप लोग पूरा सॉल्व करोगे तो वी आपका प्रॉबेबली ट्वेल्व आ जाएगा वी एक्स आ जाएगा आपका वन थर्टीन माइनस ट्वेल्व आ गया आपका थर्टीन माइनस वन थर्टीन माइनस ट्वेल्वर समझ गुडू एवरीबॉडी डन और क्या बोले देखो लास्ट पार्ट में हाउ ड शेयर होल्डर्स वेल्थ हेलो हाउ ड शेयर होल्डर्स वेल्थ चेंज फ्रॉम वन टू टू हाउ डज द राइट इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ कुछ नथिंग इज गोइंग टू इंक्रीज कुछ बढ़ने नहीं वाला है क्यों क्योंकि इट विल रिमेन सेम ओनली वेन ऑफर्स था अब वन देखो लिखा होल्डिंग हंड्रेड शेयर तो अब 100 कर रहा था अब राइट्स तो के बाद 50 शेयर्स और मिलेगा तो कहना yes, कितना हो गया मेरा एक्स राइट्स प्राइस हो गया मेरा 10 तो 150 फिफ्टी इंटू टेन फिफ्टीन तो यस yes, पहले मेरा कितना था पहले मेरे पास था हंड्रेड शेयर इंटू थर्टीन का प्राइस थर्टीन हंड्रेड था अब मेरा मुझे दो सौ रुपए से बढ़ गया बट वेट ये 1500 हो गया, इसके लिए आपको पे करना पड़ा कितना आर, एक के लिए आर रुपीज, 4 रुपीज, आपको सौ शेयर के सामने पचास शेयर मिला होगा तो फिफ्टी इंटू फोर विच इज टू हंड्रेड एंड फाइनली अपने को मिल गया थर्टीन हंड्रेड रुपीज जो पहले भी था नो चेंज इन वेल्थ एट ऑल उट मैंने आप लोग को बता दिया वैल्युएशन में एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करना वी एक्स कैल्कुलेट करनाउंसमेंट चेंज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ एवरीथिंग डन फ्रॉम आर एंड इसी के साथ राइट शेयर वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है कोई मुझे ये राइट शेयर्स का चार फॉर्मूला पूछे तो मैं उसको बता सकता हूं क्या द आंसर इज यस सबसे पहले वो मुझे पूछेगा कि सर एक्स राइट प्राइस का फॉर्मूला बताओ तो मैं उसको बोलूंगा श्योर मैं बोलूंगा कि भाई देख तेरे पास जो करंट मार्केट प्राइस है और तेरे पास जो करंट नंबर ऑफ शेयर्स है वो तो है ही बराबर सर प्लस अब तेरे को और नए शेयर्स इशू करने हैं राइट शेयर्स क्या भाव पे इशू करेगा आर के भाव पे यस सर अपॉन टोटल शेयर्स कितने हैं वो यहाँ पे अपन लोग ने डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल गया एक्स राइट्स प्राइस बिल्कुल सर फिर बाद में होता है वैल्यू ऑफ राइट्स जिसको अपन लोग ने नाम दिया है vx वैल्यू ऑफ राइट्स जिसको नाम दिया है vx इसके लिए एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है po x राइट्स प्राइस वेरी नाइस सर चलो ये भी क्लियर हो गया अपने को

प्रॉफिट ऑन रिनाउंसमेंट प्रॉफिट ऑन रिनाउंसमेंट तो कहना ये तीन फॉर्मूला एकदम अगर इश्यू में कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं uh, मेरे हिसाब से एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है रीजन आई एम फोकसिंग सो मच तो ये तीनों अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए फिर बाद में याद रखने का तीन सिचुएशन तो ये फोर्थ पॉइंट है मेरा जब शेयर होल्डर्स वेल्स नो एक्शन अगर लिया तो क्या होगा शेयर होल्डर वेल्थ विल गो डाउन शेयर होल्डर वेल्थ गो डाउन अगर आपने एक्शन लिया अगर आपने एक्शन लिया देन इन दैट केस क्या होगा सो वी विल से भाई दो एक्शन हो सकते हैं एक की अपन खुद ही एक्सरसाइज कर ले एक्सरसाइज ऑन ओन एक अगर अपन खुद ही एक्सरसाइज कर ले तो अगर अपन खुद ही एक्सरसाइज कर लेते हैं देन इन केस वेल्थ विल विल रिमेन रिमेन सेम सेम एंड दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं रिनाउंस uh, कर देता हूं अगर मैं रिनाउंस करता हूं तो भी क्या होगा शेयर होल्डर वेल्थ सेम क्या अपने को यह सारी बातें समझ में आ गई है द आंसर इज येहेंस वी विल से अपना राइट का, का काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है एवरीबॉडी चलो ये खुद से अभी आप लोग बना पाओगे इफ यस देन वी आर डन अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो अपने को आएगा वैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस शेयर बट मैं होल्ड करूंगा थोड़ा मैं बोलूंगा कि रुक जाओ वैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस शेयर बहुत इजी बना दूंगा मैं बट उसके पहले मुझे करवाने दो वैल्युएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स एंड देन फिर जब अपन वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करेंगे इट विल वेरी वेरी इजी नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज दिस व्हिच इज वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स मैं आपको एक बात बताऊं गारंटीड इसमें से समझ लो छे से आठ माह का क्वेश्चन खाली वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स में से आएगा पब्लिक तो इसको ही एज अ सेपरेट चैप्टर पढ़ता है पढ़ाता है So obviously it. it. टेल्स हाउ इंपॉर्टेंट दिस कॉन्सेप्ट इज बॉन्ड एंड डिवेंचर का मतलब क्या होता है एनी इंस्ट्रूमेंट जहां से अपने को रेगुलर इनकम मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट प्लस एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी पीरियड मेरे को रिडेम्पन मिलने वाला हैीमियम बॉन्ड एंड डिवेंचर के वैल्यूएशन करने के लिए मेरे को कुछ टर्म्स पता होने चाहिए फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं एक होता है रिडीमेबल बॉन्ड रिडीमेबल बॉन्ड मतलब जो ड्यूरेशन है बॉन्ड का उसके एंड में मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा इट कुड बी एट पार इट कुड बी प्रीमियम वेल well, वो पहले से ही डिसाइड करके आपको बता देंगे इन बॉन्ड जिंदगी भर तक आपको खाली इंटरेस्ट मिलेगा बॉन्ड का जो आपने प्रिंसिपल पेमेंट दिया है वो रीपे नहीं होगा फेस वैल्यू फेस वैल्यू मतलब मेन नॉमिनल वैल्यू यूजली वो वैल्यू जिसके ऊपर बॉन्ड इश्यू होता है

रिडेम्पन पे नाइन सेवेंटी रुपीज ही मिल रहा है तो इट इज एट डिस्काउंट मेच्योरिटी डेट मतलब ड्यूरेशन के कितने टाइम के लिए टू मेच्योरिटी कितना कब वो मेच्योर हो जाएगा और मेरे को मेरा प्रिंसिपल पेमेंट अलोंग विद जो

इसका राइट right प्राइस है सो व्हेन आई स्पीक ऑफ राइट प्राइस मैं बोलता हूं कि बॉस मैं अगर कोई बॉन्ड खरीद रहा हूं तो वो बॉन्ड क्यों खरीद रहा हूं ताकि मुझे रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट मिल जाए तो ये इंटरेस्ट आज एक ही साल मिलने वाला है क्या नहीं एक साल बाद मिलेगा समझो पांच साल का मेरा बॉन्ड है तो एक साल बाद मिलेगा दो साल बाद और तीन साल बाद और इंटरेस्ट चार साल बाद और इंटरेस्ट पांच साल बाद और इंटरेस्ट तो ऐसे करते 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 मेरे को जितने भी इंटरेस्ट मिल जाएंगे वो सारी की सारी चीजें वो सारे के सारे इंटरेस्ट को मैं क्या कर दूंगा एड करके अक्यूमुलेट कर दूंगा प्लस प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्शन प्राइस तो भाई मेरे को जितना भी इंटरेस्ट चाहिए था वो मेरे को साल में कितना आने वाला है उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे ले तो मुझे पता चल जाएगा मैं आज की तारीख में वो आने वाले पांच साल का इंटरेस्ट का वैल्यू मेरे को कितना मिल रहा है प्लस रिडेम्पशन के टाइम पे हेलो सुनना ध्यान से प्लस रिडेम के टाइम पे मेरे को जो पैसा मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू मैं निकाल लूंगा एंड टोटल मुझे पता चल जाएगा व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्राइस ये सब को मिला के बन जाएगा वैल्यू ऑफ बॉन्ड भाई एंड ऑफ द डे बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा जो मुझे उसके पास से पैसा मिलने वाला है ओवर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम सो कोई भी एसेट का वैल्यूएशन करना हो ना ऑलवेज रिमेंबर इट इज सीरीज ऑफ कैश फ्लो दैट यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम द एसेट डिस्काउंटेड एट प्रेजेंट वैल्यू एकदम हाई लेवल की चीज बोल रहे हो रिविजन वीडियो में भी सीरीज ऑफ कैश दैट यू आर गोइंग टू रिसीव मतलब बोल रहा हो ना जेपी मॉर्गन में एज अ सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट मैंने यही काम किया है आप भी अगर फाइनेंस डोमेन में जाएंगे ये चीज जरूर करेंगे जब आप वैल्यूएशन करने वाले हो क्या सीरीज ऑफ कैश फ्लोज दैट यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम अ पर्टिकुलर एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके ऊपर एंड में आपको जो प्रिंसिपल रिपेमेंट मिलने वाला है तो जितना भी सीरीज ऑफ कैश फ्लोज है वो सबको डिस्काउंट करके जब आप प्रेसेंट वैल्यू पे ले आते हो आपको मिल जाता है वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपको मिल जाता है वैल्यू ऑफ बॉन्ड समझ में आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्शन प्राइस एवरीबॉडी यस सर समझ में आ गया ठीक है ठीक है अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट है कूपन ट वैल्यू पांच साल के लिए है, तो उसका एनविटी फैक्टर अपन लोग निकाल लेंगे एंड देन रिडेम्शन वैल्यू है तो रिडेम्पन वैल्यू तो फिफ्थ ईयर पे मिलेगा तो फिफ्थ ईयर का जो पर मिलेगाउंटिंग फैक्टर होगा वो एड कर देंगे एंड फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एक एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं जिससे अपने को और चीजें क्लियर हो जाएगी पब्लिक क्या बोलता है आ जाओ सो हियर इज द एग्जाम्पल एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड अ बॉन्ड 1000 रिडीमेबल एट 5% परसेंट प्रीमियम तो देखो इधर 1000 प्लस 5 परसेंट प्रीमियम अगर आप करते हो दैट केस 1000 प्लस 5 परसेंट वन जीरो फाइव जीरो मिल जाएगा आपको करेक्ट ओके फॉर अ पीरियड ऑफ फोर इयर्स वन टू थ्री फोर कूपन रेट टेन परसेंट सो वन थाउजेंड कभी भी याद रखना डिविडेंड

1050 प्लस 100 का कूपन वर्क्स आउट टू 1150 डन डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लोग बना सकते हैं अपन कूपन को पीवी एफ एनवीटी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी इंटरेस्ट है उसको एंड एडमशन वैल्यू को जो लास्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऐसे ही और एक है 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 करना सो देखो yield to maturity होता क्या मैं आपको आपको मतलब कि कितना आपने मिला उसको बोलते हैं इल्ड टू एम टेलिंग यू आपको टोटल कितना रिटर्न मिला है अब कोई भी एसेट का दो ही तरह का रिटर्न होता है एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जो अपने को आ, डिबेंचर में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ दिस कूपन सो अपने को एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जो मिल रहा है दैट इज इन फॉर्म ऑफ दिस कूपन और दूसरा इनकम क्या मिल रहा है कैपिटल अप्रीसिएशन का तो कैपिटल अप्रीसिएशन क्या होता है इट इज रिडीमेबल वैल्यू माइनस करंट मार्केट प्राइस मतलब आपने जितने में खरीदा है और आपका अब जो रिडेम्शन हो रहा है सो कहना से आपने खरीदा था नाइन एटी में, में तो कहना रिडेम आपने कैपिटल तो अप्रीसिएशन का कमाया कूपन आप रेगुलर बेसिस हंड्रेड इंटू फाइव इन तो पांच सौ रुपया कमाया so, आपका टोटल रिटर्न है ईल्ड टू मच्योरिटी सो कूपन प्लस आरवी माइनस सीएमपी या जो इश्यू प्राइस है वो अपॉन टी टी इज बेसिकली टाइम टू मच्योरिटी सो so, जितना टाइम बचा है दैट विल बी डिवाइडेड तो आपको पता चल जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर आपने कितना कमाया तो से फॉर एग्जाम्पल अपने केस में सेवेंटी है एन सेवन ईयर्स लेते हैं अपन लोग सो कैन आई से मैंने एवरी ईयर टेन रुपीज कमाया मैंने इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रीसिएशन प्लस यहां पे से मैंने हंड्रेड इंटू मैं सेवन कर देता हूं सेवन ईयर्स का तो हंड्रेड इंटू सेवन मैंने कूपन कमाया तो हंड्रेड मैंने कूपन का कमाया टेन मैंने पर ईयर की बात कर रहा हूं मैं तो टेन मैंने कमाया इन द फॉर्म ऑफ बस ये दोनों मैंने टोटल कमाया है ओवर अ ओवर अ इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना इन्वेस्टमेंट है आरवी प्लस सीएमपी अपॉन टू सो रिडेमशन वैल्यू प्लस जो आपने इश्यू प्राइस करंट मार्केट प्राइस पे पे किया था डिवाइड बाय टू से आपको एक एवरेज प्राइस मिल जाता है सो एवरेज प्राइस के ऊपर कितना आपने रिटर्न कमाया है आपको मिल जाएगा रिटर्न का परसेंटेज कॉल्ड एज वाई टी एम सो अगेन वाई टी एम का फॉर्मूला कुपॉन जो आप रेगुलर बेसिस पे मिलने वाला है प्लस

इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होता है रियल वर्थ मार्केट वैल्यू क्या होता है इट इज द प्राइस ऑफ बॉन्ड इन द सेकेंडरी मार्केट अगर ट्रेडिंग हो रहा है डिवेंचर्स का इंडिया में में तो नहीं होता है. होता है है बेसिकली यूएस ये सब ज्यादा उसका मार्केट वैल्यू आता है अब यहां पे इधर आपका यहाँ वैल्यू के साथ मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन जो अपन ने इक्विटी शेयर्स में भी किया था ध्यान से सुना इफ इंट्रेंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन द मार्केट वैल्यू मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू है हंड्रेड रुपीज बॉन्ड का से पर मार्केट में बिक रहा है हंड्रेड एंड वन uh, में तो मैं क्या बोलूंगा बॉस इसका रियल वैल्यू सुनो ध्यान से अपन क्या बोलेंगे क्लाइंट को क्लाइंट इसका रियल वैल्यू तो 105 है बट ये मार्केट में 101 में बिक रहा है कम में बिक रहा है यार मतलब इट इज लाइक दिस ये कैलकुलेटर का वैल्यू रियल वैल्यू वैल्यू है इसका 105, पर मार्केट में अगर ये सेम चीज में बिक रही है तो आप क्या करोगे इमीजिएटली आएगा आप बेच दोगे रिवर्स सिचुएशन भी हो सकता है सपोज यहाँ पे ये यह है फाइव यहाँ पे हंड्रेड एंड फाइव बट मार्केट वैल्यू से हंड्रेड एंड नाइन अगर मार्केट वैल्यू हंड्रेड एंड नाइन है देन इन दैट केस अपन क्या बोलेंगे भाई

प्लस रिडेम्शन uh, पे अगर मैं कुछ कमा रहा हूं तो माई ऑलवेज वाईटीएम विल बी ग्रेटर देन कूपन बराबर है इसका मतलब YTM is than इसका मतलब मेरा रिडेम्शन एट प्रीमियम है मतलब मैंने रिडेम्पन पे भी कुछ कमाया है सो इफ वाई टी एम इज ग्रेटर देन कूपन तो इसका मतलब रिडेम्शन इज एट पार और प्रीमियम अगर इशू डिस्काउंट पे है तो एट पार हुआ तो भी अच्छी बात है ज्यादा पैसा मिल गया अगर इशू एट

टिल मेच्योरिटी आपको कोई भी कूपन या इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सीधा के सीधा जिस दिन होगा हेलो सीधा सीधा के सिद्धा जिस दिन मैच्योर होगा उस दिन आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाएगा तो यूजुअली ये क्या होता है जीरो तो का फेस वैल्यू है तो इट विल बी इश्यूड एट एट हंड्रेड और आपको उसे तीन साल बाद वन थाउजेंड रुपीज दे देंगे उंट रिडीम ड तो बीच का टू हंड्रेड रुपीज में इंटरेस्ट भी आ गया रिडेम्शन प्रीमियम भी आ गया सब आ गया उसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड अभी क्लियर सो यहाँ पे इंटरेस्ट और कूपन इंटरेस्ट और कूपन क्या आ जाएगा रिडेम्शन वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस रिडेम्शन वैल्यू कितना है मेरा सर रिडेम्शन वैल्यू है मेरा वन थाउजेंड माइनस इशू प्राइस कितना है मेरा सर इशू प्राइस है 800 तो कैन आई से टू हंड्रेड का काइंड kind ऑफ of इसमें मेरा कूपन आ गया इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है जो भी भाई आपको तो जो जो फेस वैल्यू मिल रहा है बराबर है डिवाइड बाय जितने इयर्स के लिए आपने उसको उसका ईल्ड आपको चाहिए सो so, इवाइड बाय वन केडी कॉस्ट ऑफ डेट रेस टू एंड तो जो भी आपको यील्ड टू मैच्योरिटी चाहिए उसके पास से उससे आप इसको डिस्काउंट कर दोगे वेरी सिंपल नेक्स्ट आ जाते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के ऊपर एंड लिख लो मेरे पास से एमसीक्यू के ऊपर इस पे क्वेश्चन नहीं आया नाम बदल देना मेरा नहीं अपना 101% चांसेस है कि एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आईसीएआई ने जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के ऐप पे भी जो केस सिनेरियोज डाले हैं ना

स्पेसिफाइज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रिसीवेबल ऑन कन्वर्जन ऑफ वन बॉन्ड सो कन्वर्जन रेशियो से 100 इज टू वन है सो so, 100 इक्विटी शेयर्स फॉर वन बॉन्ड समझ में आ गया सर ओके okay. वैल्यू क्या मिलने वाला है उसका बस एक इक्विटी शेयर का बीस रुपया है सो हंड्रेड इंटू ट्वेंटी कितना हुआ टोटल ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का वैल्यू मिलने वाला है एक बॉन्ड का जस्ट एक एग्जांपल। इट इज द इमीजिएट वैल्यू रिसीव्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड कैलकुलेटेड एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी सो कन्वर्जन रेशियो मतलब मेरे को सौ एक बॉन्ड के जगह सौ इक्विटी शेयर मिलने वाला है एक बॉन्ड के जगह सौ इक्विटी शेयर मिलने वाला है एंड यहां पे क्या लिखा है कि एक इक्विटी का प्राइस कितना है टोटल टोटल हेलो कितना आ गया इट विल बी रूपीज सेवन हंड्रेड सो सेवन हंड्रेड का कन्वर्जन वैल्यू है हंड्रेड इंस टू वन का कन्वर्जन रेशियो है कि एक बॉन्ड के सामने सौ शेयर मिला एक शेयर का वैल्यू सात रुपया है तो टोटल एक बॉन्ड का क्विटी शेयर्स के टर्म्स में वैल्यू क्या हुआ सेवन हंड्रेड रुपीज फिर आता है स्ट्रेट वैल्यू इसको बोलते हैं इंट्रेंस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड जो अपन लोग को कैलकुलेट करना आता ही है जो अपन लोग करते हुए आ रहे हैं कि भाई कूपन का पीवी फैक्टर एंड जो रिडेम्शन वैल्यू है उसका जो लास्ट ईयर रहेगा उसका रिडम्शन में जो भी उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रहेगा वो फिर बाद में आ जाता है ऑप्शन वैल्यू या प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू अभी यहां पे देखो ये क्या वर्ड यूज किया है पे स्ट्रेट वैल्यू सो so, कई बार क्वेश्चन में वो स्ट्रेट वैल्यू वर्ड यूज करता है पब्लिक सोचते रहता है लाइक स्ट्रेट वैल्यू वैल्यू क्या है याद रखना इट इज नथिंग बट द द इंट्रिंसिक ऑफ बॉन्ड जो अपना वैल्यू ऑफ बॉन्ड का जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो यहां पे आएगा तो स्ट्रेट वैल्यू क्या था कि भाई उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या सही प्राइस होना चाहिए बट जरूरी नहीं है ना मार्केट में वो यही प्राइस पे बिकेगा सपोज मार्केट पे वो बिक रहा है नाइन फिफ्टी रुपीज पे तो इसका मतलब क्या हुआ दे आर टेकिंग अ प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू सात सौ सत्रह रुपए की चीज अगर नाइन फिफ्टी में बिक रही है देन इन दैट केस इट इज बीइंग सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ टू थर्टी टू रूपीज समझ में आया सो करंट मार्केट प्राइस माइनस स्ट्रेट वैल्यू कन्वर्जन पैरिटी प्राइस मतलब ऐसा प्राइस जिससे आपका मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर पोस्ट कन्वर्जन मैच होना चाहिए तो, एग्जाम्पल के हिसाब से नाइन फिफ्टी रुपीज आज की तारीख में उसका मार्केट प्राइस है मेरे को एक बॉन्ड कन्वर्जन पे कितना रुपए कितना शेयर्स मिलने वाला है 100 तो इसका मतलब एक इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या होना चाहिए द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड कैन आई से इट इज 9.5 बस यही है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस अभी क्लियर एवरीबॉडी सो वैसा सीन है देखो ये सारा चीज यहां पे दिया हुआ है करंट मार्केट प्राइस 950 अपना कूपन है 7% का फेस वैल्यू रिडेम्पशन वैल्यू टाइम टू मैच्योरिटी इक्विटी शेयर एक शेयर पे सात मिलेगा एक बॉन्ड पे 100 इक्विटी शेयर यील्ड है 12 का परसेंट का एंड डीपीएस

तो अपने को 9.5 रुपीस होना चाहिए इक्विटी शेयर का प्राइस तब जाके मेरा कन्वर्जन पैरिटी प्राइस मैच हो जाएगा देन कम्स माय कन्वर्जन प्रीमियम अब देखो कितना प्रीमियम दे रहे अपन लोग सो so, यार आइडियली अपन लोग को 9.5 मिलना चाहिए था एक इक इक्विटी शेयर का बट अपने को एक इक इक्विटी शेयर पे सात रुपया ही मिल रहा है सो कैन आई से टू पॉइंट फाइव इज द प्रीमियम दैट वी आर पेइंग करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटीज अपने को तो सात रुपया मिल रहा है तो आइडियली वी वांटेड 9.5 सो वी आर काइंड पेंग का टू पॉइंट फाइव रुपीज का कन्वर्जन प्रीमियम एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे ओवर द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर करंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर सेवन अपन लोग पे कर रहे हैं उनको आज की तारीख में बॉन्ड खरीदने का नाइन फिफ्टी टू तो फिफ्टी अपन लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो लोग यार बराबर मतलब है मतलब एक शेयर के ऊपर अपन टू पॉइंट फाइव रुपीज का कन्वर्जन प्रीमियम दे रहे हैं राइट सो तो टू पॉइंट फाइव रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे ओवर सेवन रुपीज उसका एक बेस है शेयर का प्राइस है सो तो वी आर पेइंग 35.71 फाइव पॉइंट सेवन वन एक्स्ट्रा फिर होता है फ्लोर वैल्यू या डाउन साइड रिस्क डाउनसाइड रिस्क मतलब नीचे कितने से कितना नीचे तक जाएगा तो ही से देखो कुछ भी हो जाए वैल्यू ऑफ बॉन्ड के नीचे तो नहीं जाएगा वैल्यू ऑफ बॉन्ड है सो so, इसका डाउन साइड रिस्क है ट्वेंटी फोर परसेंट इज द डाउन साइड रिस्क सो नाइन फिफ्टी की चीज सात सौ सत्रह सेवन हंड्रेड एंड सेवनटीन पर गिर जाएगी दैट बेसिकली इज द डाउन साइड रिस्क फेवरेबल इनकम डिफरेंस फेवरेबल इनकम डिफरेंस पर शेयर ध्यान से समझना है यहाँ पे कि मेरे को एक बॉन्ड से कितना कूपन मिल रहा है तो अगर तुम लोग नोट करोगे तो इट इज सेवन परसेंट कूपन सेवन परसेंट कूपन तो हजार के ऊपर अगर मैं सेवन परसेंट करता हूं तो कहना इसे सेवन परसेंट मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है यार यस yes, सर सामने मेरे को डिविडेंड पर शेयर कितना मिल रहा है अगर तुम लोग नोट करोगे तो इट इज पॉइंट थ्री फाइव पर शेयर सो आई विल से हंड्रेड शेयर्स इनटू टू पॉइंट थ्री फाइव पर शेयर विच इज इक्वल टू थर्टी फाइव रुपीज सो कैन आई से कि बॉस फेवरेबल इनकम अभी फिलहाल मेरे को अगर मैं डायरेक्टली ये इक्विटी शेयर लू

प्रीमियम मैं कितना एक्स्ट्रा दे रहा हूं पर शेयर सर ठीक है एक शेयर के ऊपर अभी फिलहाल मेरे को उसका एक्स्ट्रा जो प्रीमियम दे रहा हूं वो रिकवर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट राइट सो आई विल ट्राई सेवन ईयर के लिए ये बॉन्ड में रखू और उसके बाद मैं इसको कन्वर्ट करूं इन इक्विटी शेयर्स समझ में आया सो so, लास्ट का जो दो है वो ध्यान में रखना है देखो फटाफट वापस एक बार सब बता दो कन्वर्शन रेशियो एक बॉन्ड के सामने कितना इक्विटी शेयर मिलेगा एक इक्विटी शेयर का क्या वैल्यू है कन्वर्जन वैल्यू स्ट्रेट वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑफ प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू मतलब आज का मार्केट प्राइस और स्ट्रेट वैल्यू इंटेंसिक वैल्यू कितना है इक्विटी शेयर का प्राइस कितना कन्वर्जन प्रीमियम तो अब मैं एक शेयर के ऊपर कहना है टू पॉइंट फाइव ज्यादा पे कर रहा हूं एज पर द पैरिटी प्राइस वो मेरा कन्वर्जन प्रीमियम हो गया डिवाइड बाय सेवन विल टेल मी परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन प्रीमियम फिर बाद में आ जाता है अपना फ्लोर वैल्यू और जिसको अपन लोग बोलते हैं डाउनसाइड रिस्क ऑफ द बॉन्ड तो वो स्ट्रेट वैल्यू आज की तारीख में ₹717 करंट मार्केट प्राइस है 950 तो गिर गिर के कितना वो गिरेगा 950 गिर के 717 तक गिरेगा वो मेरा डाउनसाइड रिस्क है वो मेरा फ्लोर वैल्यू है फेवरेबल इनकम डिफरेंस पर शेयर एक शेयर के ऊपर ₹70 रुपीज का कूपन है. एक शेयर के ऊपर पॉइंट थ्री फाइव पर शेयर मेरा डिविडेंड पर शेयर तो थर्टी फाइव रुपीज मेरे को शेयर से मिल रहा है सेवेंटी रुपीज मेरे को मिल रहा है तो फिलहाल मेरे को से फेवरेबल इनकम आ रहा है विच इज कन्वर्टेड एज पॉइंट थ्री फाइव पर शेयर एंड अगर मेरे को प्रीमियम पे बैक ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितना टाइम में मैं जो प्रीमियम एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं टू पॉइंट फाइव रुपीज का वो कितने टाइम में रिकॉर्व हो जाएगा विद दिस दिस एक्स्ट्रा डिफरेंशियल इनकम कूपन सो सो डिवाइड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट योर होल कन्वर्टेबल थिंग आई होप समझ में आ गया होगा मार्केट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई है अब अपन आ रहे हैं बॉन्ड रिफंडिंग या कॉलिंग ऑफ बॉन्ड के ऊपर बॉन्ड रिफंडिंग का मतलब होता है कि बॉस देखो क्या है बताया क्या आज की तारीख में मैं मार्केट में बॉन्ड इशू कर रहा हूं और आज की तारीख में मार्केट में रेट चल रहा है इंटरेस्ट तो आज मैंने बॉन्ड इशू कर दिया 12 परसेंट के ऊपर इंडिया की कुछ सिचुएशंस ऐसी अपना मॉनिटरी पॉलिसी है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट आ गया 8 परसेंट पे तो आज की तारीख में कोई भी कंपनी जब बॉन्ड इशू करेगी तो एट परसेंट पे करेगी मैंने तो बॉन्ड इश्यू किया हुआ है ट्वेल्व परसेंट पे दो साल बाद अब एट परसेंट का इंटरेस्ट हो गया तो अब मैं क्या करूं मैं अगर बारह बारह परसेंट दूंगा तो ऑब्वियसली आई एम पेइंग फोर परसेंट एक्स्ट्रा जिसका कोई मतलब ही नहीं है तो मैं क्या एक ऑप्शन रखूंगा मेरे बॉन्ड में दैट आई हैव अ राइट टू बॉन्ड रिफंड आई हैव अ राइट टू कॉलिंग ऑफ अ बॉन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो इस सिचुएशन में मैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिख दूंगा कि भाई अगर मुझे लगता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कम हो गया तो मैं नया बॉन्ड इश्यू कर दूंगा वो नए लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर तो पुराने बॉन्ड्स का क्या उनको मैं रिफंड कर दूंगा उनको बोलते हैं कॉल करके बॉस तुम्हारा बॉन्ड हमको वापस दे दो हम तुम्हारे को रिफंड कर रहे हैं बट वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए अब जब मैं रिफंड करूंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखूंगा तो ये एक रिस्क है जो बॉन्ड परचेजर है उसके लिए ही विल आस्क फॉर अ प्रीमियम तो उसको बोलते हैं बॉन्ड कॉलिंग प्रीमियम बॉन्ड रिफंडिंग प्रीमियम कॉल प्रीमियम ये सब उसके नाम है तो वो जो कॉल प्रीमियम आप देने वाले हो हेलो सुनो आप वो जो कॉल प्रीमियम देने वाले हो दैट शुड नॉट एक्सीड इंटरेस्ट दैट यू आर गोइंग टू सेव बस यही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड रिफंडिंग और कॉलिंग ऑफ अ बॉन्ड कि भाई मेरा जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जा रहा है कॉल बॉन्ड को रिफंड करने के लिए तो वो मेरा एक्सपेंस हो गया बट सामने मेरा इंटरेस्ट सेव हो रहा है वो काइंड kind ऑफ of मेरा इनकम हो गया बस इसको बैलेंस आउट करने के कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं बॉन्ड रिफंडिंग तो कॉन्सेप्ट वाइज तो समझ में आ गया और इजी भी लग रहा है बट इसका जो कैलकुलेशन है लेट मी टेल यू इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बट उसको मैंने एक फॉर्मेट में प्रेजेंट कर दिया है ये फॉर्मेट में आपको खाली नंबर्स डालना है एंड यूल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन बॉन्ड रिफंडिंग आओ मैं आपको बताता हूं कि क्या है इस बॉन्ड रिफंडिंग के कॉन्सेप्ट को है ना दो पार्ट में डिवाइड कर दो एक के आपको कैश होने वाला है दूसरा कैश वाला है कैश इनफ्लो में भी दो पार्ट है रेगुलर बेसिस पे कैश होगा होगा एंड दूसरा वन टाइम कैश कैश आउटफ्लो में भी यही दो पार्ट है रेगुलर बेसिस पे कैश आउटफ्लो होगा एंड वन टाइम कैश आउटफ्लो होगा ये सारा चीज को मिला के बोलते हैं बॉन्ड रिफंडिंग ये सारा चीज को मिला के बोलते हैं बॉन्ड रिफंडिंग देखो ये मेरा जो फॉर्मेट है ना वो फॉर्मेट को मैंने एक, एक हाई लेवल सम अगर आपके पास ऑप्टिमाइज़ होगा तो उसमें ये सम है नहीं है तो आई थिंक मॉड्यूल में तो शायद नहीं है बहुत हाई लेवल का अच्छा वाला सम है ये इसके बाद तो कुछ आ ही नहीं सकता इसको मैंने ये फॉर्मेट में पुट अप कर दिया है बस आपको ये फॉर्मेट को फॉलो करना है एंड कोई भी बाउंड्री फंडिंग का क्वेश्चन हो यू विल बी एबल टू मैच इट आओ अपन लोग फटाफट फ़ड़ इसको एक रीड मार लेते हैं मैं रीड मतलब ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है सो दैट यू विल कम टू टू नो हाउ थिंग्स आर बी आउट बस दो चीजें याद रखना आपको एक तरफ इस क्वेश्चन में होगा इनफ्लो दूसरी तरफ होगा आउटफ्लो इनफ्लो दो तरह के रेगुलर वाले और वन टाइम वाले आउटफ्लो दो तरह के रेगुलर वाले वन टाइम वाले बस ये चार चीजें आपको समझ में आ गई

फॉर्मेट के साथ मैं आपको बताऊंगा कंपनी इंटेंस टू सेल थ्री क्रोर्स अगेन अब ये वाला रिकॉल कर लेंगे अपन लोग 1140 पे नाउ वी आर प्लानिंग टू सेल थ्री क्रोर्स ऑफ 12% तो 14% की जगह पे अभी 12% ही जाएगा 25 साल तक 2% का मेरा इंटरेस्ट बचेगा ये मेरा इनफ्लो रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट जो बचे जाएगा वो मेरा रेगुलर इनफ्लो

इन एक वन टाइम कैश इनफ्लो ध्यान में रखना है एक वन टाइम कैश आउटफ्लो ध्यान में रखना है पहला वन टाइम कैश इनफ्लो तो ये क्या क्या आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा वन टाइम कैश आउटफ्लो में क्या क्या आएगा वो दिखाऊंगा फिर एनुअल विच इज रेगुलर जो मेरा कैश इनफ्लो है वो बताऊंगा और साथ में रेगुलर जो मेरा आउटफ्लो है वो बताऊंगा एंड फाइनली वी विल बी एबल जो वन टाइम कैश इनफ्लो है है, वो तो आज आज का ही हो हो रहा रहा है। है, है, जो वो तो तो उसको तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू लाना पड़ेगा इसके लिए जो रेगुलर वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हेलो जो रेगुलर वाला है उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो रेगुलर वाला है उसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के हिसाब से आएगा इस तरह से ये मेरा बॉन्ड रिफंडिंग को मैंने पूरा का पूरा वर्कआउट किया अभी मैं आप लोगों को फटाफट एक एक चीज यहां पर गोथ्रू करवाता हूं फर्स्ट वन टाइम कैश इनफ्लो अब सुनना जो ओल्ड बॉन्ड्स था अगर आप लोग ने नोट किया होगा क्वेश्चन में सो दे वर इशूड एट डिस्काउंट ठीक है तो प्रोसीज ऑफ 2.91 पॉइंट ड्यू टू अ डिस्काउंट ऑफ 30 पर बॉन्ड अब इनकम टैक्स एक्ट आप लोगों को तो इनकम टैक्स के बारे में मैं से ज्यादा पता होगा अभी पढ़ा होगा आप लोग ने इनकम टैक्स बोलता है कि ये जो बॉन्ड्स का जो डिस्काउंट है ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका टैक्स बेनिफिट भी आपको ओवर अ पीरियड ऑफ बॉन्ड देंगे बट अब तो मेरा ये बॉन्ड ही मैं खत्म कर रहा हूं ये बॉन्ड को ही मैं रिटायर कर रहा हूं तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा अगर आप बॉन्ड को खत्म ही कर रहे हो तो आप पूरा जो ओवर अ पीरियड ऑफ ट्वेंटी फाइव थर्टी ईयर देने वाले थे वो आप एक साथ ले लो वन टाइम कैश इनफ्लो वो भी क्या पता है टैक्स बेनिफिट जो टैक्स बेनिफिट मेरे को ओवर अ पीरियड ऑफ टू मिलने वाला था एक साथ अब मैं यहां पे ले लूंगा टैक्स बेनिफिट ऑन राइट ऑफ ऑफ इश्यू डिस्काउंट ऑन ओल्ड बॉन्ड्स तो डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स एंड फोटेशन कॉस्ट जो होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है वो लोग बोलते हैं एक साथ ही आप ले लो यार मजे करो आप एक साथ ही ले लो अब क्यों क्योंकि आप बॉन्ड क्यूं? को अब रिटायर कर रहे हो इसके लिए आपको ये बेनिफिट दे रहे हो ओल्ड बॉन्ड्स के ऊपर तो मेरा डिस्काउंट ऑफ इशू अभी देखो मेरा कितना था डिस्काउंट मैंने थर्टी रुपीज का डिस्काउंट दिया था ये देखो अभी मैंने इस चीज को हाईलाइट किया यहाँ पे बॉस

इसको समझना क्लियर uh, हो जाएगा और सॉल्व कर लेना अभी मैं आपको खाली बता रहा हूँ ऊपर ऊपर से आप लोगों को समझ ही जाएगा जब इसको आप एक्चुअली आप सॉल्व भी करोगे ना मेरे लॉजिक्स को बार बार सुन के ये वीडियो को यू विल बी थरली क्लियर और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है ना यार बिंदास आपका भाई आपको जवाब दे देगा फिर बाद में आ जाते हैं वन टाइम कैश आउटफ्लो के ऊपर अब मेरा सबसे बड़ा आउटफ्लो है कॉल प्रीमियम वो जो वन फोर्टी रुपीज एक्स्ट्रा है कितना जेब से कितना गया वन फोर्टी इंटू थर्टी थाउजेंड गया बट उसमें से फोर्टी परसेंट का टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा तो सिक्सटी परसेंट ही मेरे जेब से नेट गया तो इन टू सिक्स परसेंट मेरा आ गया ट्वेंटी थाउजेंड फिर बाद में आ जाता है दूसरा ओवरलैपिंग इंटरेस्ट अब ये ओवरलैपिंग इंटरेस्ट को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो देखो कैसा है पता है क्या एक है मेरे पास 14 परसेंट वाला और एक है ट्वेल्व परसेंट वाला ये बोल रहे हैं कि दो महीने के लिए आपको दोनों चलाना पड़ेगा दो महीने के लिए आपको दोनों चलाना पड़ेगा सर कौन बोल रहा है तो यहां पर देखो लिखा है द कंपनी एक्सपेक्ट यह देखो हाईलाइट कर रहा हूं द कंपनी एक्सपेक्ट टू मंथ पीरियड ऑफ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट टू मंथ्स पीरियड ऑफ ओवरलैपिंग इंटरेस्ट मतलब ओल्ड बॉन्ड का भी न्यू बॉन्ड का भी देना है तो अब ये एक्स्ट्रा मेरे जेब से जा रहा है दो महीने का इंटरेस्ट तो कितना जा रहा है तीस हजार बॉन्ड के ऊपर फोर्टीन परसेंट मेरे को जबरदस्ती का देना पड़ रहा है भाई मेरा तो अभी न्यू बॉन्ड चालू हो गया फिर भी ये फोर्टीन परसेंट महीने के लिए देना पड़ेगा तो जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तो इतना मेरा कॉस्ट आ रहा है बट जो भी कॉस्ट आ रहा है उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट लेके नेट कॉस्ट आता है फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड एंड जो मेरा न्यू बॉन्ड है उसका फ्लोटेशन कॉस्ट आता है न्यू बॉन्ड का मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट आता है रुपीज फोर लैख तो वो भी मेरे आउटफ्लो में आ जाएगा तो यहां पर मेरा वन टाइम कैश आउटफ्लो आ गया यहां पे मेरा वन टाइम कैश इनफ्लो आ गया अब रेगुलर बेसिस पे जो मेरा कैश इनफ्लो आ रहा है क्या ना इसे सेविंग ऑफ इंटरेस्ट सबसे बड़ा मेरा सेविंग तो सेविंग ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अब सुनो जब आपने जब आपने खर्चा किया तब आपने क्या बोला कि सर मेरा जो भी खर्चा हो रहा है उसमें मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो जब आपको इनकम आएगा उसमें आपका टैक्स जाएगा सो so ये जो नेट इनकम आया है आपके पास ये जो भी आपका ओल्ड रेट में से न्यू रेट मतलब दो परसेंट दो टका बच गया है मेरा इधर मेरा दो टका बच गया है ऑन थर्टी थाउजेंड ऑफ वन थाउजेंड इच बराबर ये पूरा मेरा नहीं है इसमें से फोर्टी परसेंट मेरा टैक्स गवर्नमेंट को चले जाएगा 60 नेट मेरा इनकम थ्री नया किया है, वो नया उसका दोनों मिला के थ्री सिक्स फोर हंड्रेड आता है 25 इसको मैं आगे जाके पीवीआई ट्वेंटी फाइव एट परसेंट के हिसाब से उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालूंगा एंड ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया वन टाइम

वो लॉस ऑफ टैक्स बेनिफिट हो जाएगा तो वो इधर लॉस ऑफ टैक्स बेनिफिट रेगुलर अब मेरा लॉस है तो इस लॉस ऑफ टैक्स बेनिफिट है तो इसके लिए आउटफ्लो में दिखाएंगे बट बिकॉज इट विल बी ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी ट्वेंटी वैल्यू पे ले आऊंगा तो वो क्या था उधर मुझे बेनिफिट मिला था फ्लोटेशन uh, कॉस्ट का और डिस्काउंट ऑन बॉन्ड का यहां पे मुझे वो लॉस ऑफ टैक्स बेनिफिट होगा उसी फ्लोटेशन कॉस्ट का उसी डिस्काउंट ऑन बॉन्ड का जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटर एवरीबॉडी होता है मेरा समझ लो संभाल लो एंड ट्रस्ट मी यूल टू सोल्व एनी प्रॉब्लम मैंने तो हाँ लेवल का ही ले लिया एग्जाम्पल में सो so दैट आपको तकलीफ हो ही ना विद्लीट बॉन्ड रिफंडिंग आई होप वी आर क्लियर ओके okay, चलते हैं अभी लोग अपने नेक्स्ट के ऊपर जिसको बोलते हैं बॉन्ड ड्यूरेशन या मकॉलेस ड्यूरेशन अब यहां पे समझ समझने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड का जो मैं पैसा दे रहा हूं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसमें इंटरेस्ट प्लस जो मेरा रीपेमेंट है वो कितने पीरियड में ओवर पीरियड ऑफ टाइम को रिटर्न हो रहा है तो तो उसके लिए अगेन बहुत ज़्यादा में नहीं जाएंगे, but in terms of, मैं अगर formula बोलू, तो it is very simple, जो भी मेरा cash flows आने वाला है, कूपन मेरे को मिलने वाला है वो मैं सबसे पहले लिस्ट डाउन कर लूंगा फिर बाद में मैं देखूंगा कि भाई उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है अपॉन टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ देखते हैं So, देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा था सो फेस वैल्यू थाउजेंड टू बी रिडीम्ड एट पार कूपन रेट एट डिस्काउंटिंग रेट होता है मकॉलेज है ड्यूरेशन अब ध्यान से सुनना मकॉलेज ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कितने टाइम में जो कैश फ्लोज है वो मेरा रिकवर हो जाएगा सो so, अभी यहाँ पे देखो मेरा कैश फ्लो है एट फिफ्टी इसको मैंने प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया प्रेजेंट वैल्यू राइट right? ऐसे मैंने टोटल सारे प्रेजेंट वैल्यू निकाल निकाली ऐसे मैंने टोटल सारे प्रेजेंट वैल्यू निकाल निकाली ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू का मेरे को आ गया अमाउंट अब मेरे को यहाँ पे क्या देखना है आई हैव कितना है सो सेवन सिक्सटी टू सेवन सेवनटी टू पॉइंट सिक्स फाइव यहाँ पे खाली मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूं आप लोगों को सेवन सेवन टू पॉइंट सिक्स फाइव डिवाइड बाय नाइन फोर थ्री वन पॉइंट फाइव एंड जैसे ही आप ये करोगे 772.65 डिवाइड बाय 9431.5 यू विल गेट इट इज 0.082 0.082 आपका प्रोपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यू मिल जाएगा आपको आपको इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट ईयर के साथ ये आ गया सेकेंड में वापस से आपने किया तो 702.1 डिवाइड बाय अब आप करोगे 9431.5 तो इधर आपको प्रोपोर्शन आ गया 0.075 अब आपको मल्टीप्लाई करना है टू सेकंड ईयर के साथ बिकॉज़ ये सेकंड ईयर का वेट है ये आपको आ गया 0.148 बस ऐसे ही करते जाना है एंड फाइनली यू विल गेट द मैकॉलिस बॉन्ड ड्यूरेशन सो काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पहले आप क्या करोगे जो भी आपके पास कैश फ्लोस है कूपन

कुपन का डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू तो इससे आपको मिल जाएगा वेट्स ये जो वेट्स है मल्टीप्लाई करना है ईयर 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 के 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 साथ के साथ साथ दूसरा वेट्स उसके उसके तीसरा वेट उसके के साथ. ऐसे करते करते आपको जो आंसर मिलेगा उसका फाइनली समीशन करना है एंड दैट बेसिकली विल बी योर बॉन्ड ड्यूरेशन समझ में आ गया ये yes. चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडिफाइड बॉन्ड ड्यूरेशन या वोलेटिलिटी के ऊपर दिस अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एमसीक्यू बनने का चांस है तो या तो ये लोग फुल डिटेल क्वेश्चन में पूछेंगे या एमसीक्यू में पूछेंगे अपने को ध्यान रखना है। देखो नाम में ही लिखा है जवाब क्या लिखा है नाम में वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी का मतलब कि क्या होता है कि बॉस क्या चेंज हो रहा है ऑफ बॉन्ड प्राइजेस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट देखो एंड ऑफ द डे बॉन्ड में क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई कितना कूपन मिल रहा है कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो अगर चेंज होगा तो क्या वैल्यू ऑफ बॉन्ड चेंज होगा क्या हाँ

तो क्या होगा अगर वाई टी एम डिक्रीज हुआ तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा बाय वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपका या मॉडिफाइड ड्यूरेशन सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन या ड्यूरेशन अपॉन वाई टी वन प्लस टन एंड टेस्टेड ये एकदम मेरा बात इधर बोले तो फ्रीज हो जाता है

यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी मतलब क्या होता है पता है क्या देखो जो चेंज इन प्रोपोर्शनल नहीं है कि बॉन्ड तो बढ़ा तो अब जरूरी नहीं है कि एक परसेंट से अगर बढ़ेगा वाई टी एम तो एग्जैक्ट थ्री परसेंट से ही मेरा बॉन्ड गिरेगा लिटिल बिट अप एंड डाउन दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्सिटी दैट इज कॉल्ड एज कि भाई बॉन्ड का जो

2 into V0 ये चीज समझ में आ गई into change in YTM क्वेश्चन में अगर आप लोग नोट करोगे ना तो उसने बोला है the, if the there is a decrease in YTM by 200 basis points so change in YTM is by 200 basis points मतलब 2% 0.02 square अब काली एक इधर यहाँ पे plus का देखना है कि भाई अगर मेरा यहाँ पे देखो टेन परसेंट का अगर टू परसेंट से कम हुआ तो अगर टू परसेंट से बढ़ा तो तो उधर लिखा था V माइनस लिखा था अगर दो परसेंट से कम हुआ तो क्या होगा वन जीरो फोर पॉइंट जीरो अगर टू परसेंट से बढ़ा तो अ, अ, कम हुआ तो अगर टू परसेंट से बढ़ा तो वाई टी एम तो क्या हो जाएगा एट सेवन थ्री थ्री तो इधर आ जाएगा एट सेवन थ्री थ्री क्लियर इंटरचेंजेबली यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब ये पहले एट सेवन थ्री थ्री लिख लो फिर टेन जीरो टू जीरो फोर लिखो या ऊपर नीचे करो कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब short, है मतलब इन शॉर्ट जो बेसिस पॉइंट है उससे ही मेरे को एक वोलेटिलिटी बढ़ाना है एक वोलेटिलिटी कम करना है एंड दिस विल बी माई वी प्लस एक हो जाएगा v माइनस माइनस 2 इंटू वी जीरो अपॉन टू इंटू वी जीरो माइनस जो मेरा वाई का परसेंटेज है उसका स्क्वायर इज व्हाट माय कॉन्वेक्सिटी इज ऑल अबाउट इज व्हाट माय कॉन्वेक्सिटी इज ऑल अबाउट आर वी क्लियर एवरीबॉडी यस सर सो इससे मेरे को c शार्प मिल जाएगा एंड फाइनली c शार्प को मल्टीप्लाई करना है अपने को चेंज uh, इन के साथ इंड्रेड उससे मुझे मिल जाएगा अच्छा याद रखना है क्या फॉर्मूला है अपना सी शार्प इंटू चेंज इन टी एम स्क्वा है बाबू जी मेन हैलकुलेट करना वी प्लस

चल नेक्स्ट चल रहे अपन लोग बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के ऊपर देखो प्रैक्टिकली बॉन्ड इम्यूनाइजेशन यूज होता है कि जहां पे से फॉर एग्जांपल मेरे को कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करना है आने वाले पांच साल में ठीक है तो आज मैं कितना क्या इन्वेस्टमेंट करूं इन बॉन्ड्स के मेरा ये पांच साल बाद जो लाइबिलिटी है वो मेरा रिकवर करके मैं उसको पे ऑफ कर दूं ठीक है सो दैट बेसिकली इज वेयर बॉन्ड इम्यूनाइजेशन इज प्रैक्टिकली यूज्ड यहां पे जो आपको क्वेश्चन आएगा वो आपको बोलेगा कि भाई ड्यूरेशन जो आपका है इम्यूनाइजेशन कब आपका होता है जब आपका जो लायबिलिटी है वो आप पे ऑफ कर पाओ इन द टाइम फ्रेम अवेलेबल सो दैट इज वट इज सेड ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं दैट व्हाट दिस होल कांसेप्ट इज ट्राइंग टू से

कितना इन्वेस्ट करे कि मेरा ओवरऑल ये जो भी है सिस्टम वो छह साल में इम्यूनाइज हो जाए तो लोग बोलते हैं भाई देखो ड्यूरेशन ऑफ एसेट इज बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी सो ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी तो मुझे पता है कि भाई मेरे को छह साल में मेरा लायबिलिटी पे ऑफ करना है तो वो मैंने इधर लिख दिया ड्यूरेशन ऑफ एसेट क्या है सो ड्यूरेशन ऑफ एसेट मतलब देखो मेरे तीन एसेट है Dura A है B है C है ए ए बी बी सी सी सो ड्यूरेशन 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 ऑफ 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 प्लस प्लस बट बिकॉज पोर्टफोलियो है तीन यहाँ पे मेरे पास स्टॉक्स तो उनका वेट लेना पड़ेगा तो सीधा ड्यूरेशन ए बी सी नहीं ले सकता उनका वेट भी लेना पड़ेगा साथ में तो ए का ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय उसका वेट बी का ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय उसका वेट सी का ड्यूरेशन मल्टीप्लाई बाय उसका वेट एंड दैट शुड ऑल बी इक्वल टू सिक्स

बैलेंसिंग जो तो है वेट ऑफ बी 0.15 मिल जाएगा एंड दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स समझ में आ गई आप लोगों को बातें सो ड्यूरेशन इनटू वेट ड्यूरेशन इनटू वेट एंड ड्यूरेशन इनटू वेट करके अगर आप लोग नोट करोगे इट मैचेस टू सिक्स मतलब माय ड्यूरेशन इज इम्यूनाइज छह साल बाद मुझे जो चाहिए उतना पैसा मिल जाएगा अगर मैं ए बी और सी को इस वेट में डालता हूं तो सो दैट्स हाउ इट वर्क्स फिर बाद में आ जाता है कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं स्टॉक लेंडिंग स्कीम यूजुअली दिस इज यूज्ड इन केस ऑफ शॉर्ट सेलिंग ऑफ शेयर्स मैं बता देता हूं फटाफट के क्या कॉन्सेप्ट है अब कई बार क्या होता है शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं मतलब मेरे को लग रहा है कि रिलायंस का जो शेयर है वो नीचे गिरने वाला है तो मैं क्या कर दूंगा पता है क्या आज रिलायंस के शेयर को बेच दूंगा बट शेयर बेचने के लिए शेयर होना भी तो चाहिए नहीं वो नहीं है मेरे पास तो सर कैसे बेचोगे सो ध्यान से सुनना मैं आज का आज ही रिलायंस के शेयर को बेच दूंगा और फिर बाद में उसको जब वो नीचे गिर जाएगा तब खरीद लूंगा ठीक है और तो जो स्टॉक मार्केट है उसको मैं बोलूंगा ठीक है ना मैंने आज बेच दिया कल मैंने उसको खरीद लिया मैं आपको वो जो शेयर है वो दे देता हूं सो मैंने बेच दिया उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग शेयर हुए बिना मैंने बेच दिया उसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग बट मुझे खरीदना तो पड़ेगा स्क्वायर ऑफ करने के लिए मुझे लग रहा है नीचे गिरने वाला है जैसे ही नीचे गिरेगा मैं खरीद के जो, स्टॉक मार्केट है उसको दे दूंगा बट अभी यहां पे से कोई एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपने शॉर्ट सेल किया तो मैंने शॉर्ट सेल कर दिया अब मेरे को ओवर अ पीरियड ऑफ टू मंथ्स के बाद स्टॉक uh, मार्केट को वो लेके देना है तो व्हाट आई कैन डू मैं वो शेयर को किसी और के पास से लेंड कर सकता हूं मतलब मैं किसी और के पास से वो बोरो कर लूंगा और जो स्टॉक मार्केट है उसको मैं वो शेयर दे दूंगा अब जब मैं किसी के पास से बोरो कर रहा हूं शेयर तो वो सीधी सी बात है मेरे से क्या लेगा लेंडिंग फी लेगा तो वो लेंडिंग फी

उतना मेरा एक कमिटमेंट हो गया सो उसको मेरे को गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर वट एवर ड्यूरेशन आई एम टेकिंग वो हमारे ओरिजिनल शेयर होल्डर को ही जाएगा तो उसको डिविडेंड मिल जाएगा ठीक है फिर शेयर प्राइस जैसा मैंने सोचा था वैसा चेंज हुआ तो फिर अच्छी बात है नहीं हुआ तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा सो दाउ द सिस्टम वर्क नॉट नॉट रियली वेरी ग्रेट और डिफिकल्ट सेलिंग ऑफ शेयर विदाउट बींग इन पोजेशन

शेयर ले लिया बोरो करके और दे दिया अब जब जिसके पास से आप शेयर बोरो कर रहे हो उसको आपको कुछ गारंटी देना पड़ेगा कि हाँ भाई तेरा शेयर्स वापस दे दूंगा इट इज लाइक like गिरवी बराबर ना आप किसी से लो, लो पैसा लोन पे लेते हो तो आपको कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है वैसे आपने कभी किसी के पास से लोन गोल्ड लोन लिया गोल्ड लिया तो आपको कुछ तो कुछ सिक्योरिटी पे रखना पड़ेगा राइट तो वैसे यहाँ पे मैं शेयर लोन पे ले रहा हूं मेरे फ्रेंड के पास से तो मुझे कुछ बैंक गारंटी रखना पड़ेगा तो वो बैंक गारंटी के लिए मैं बैंक को बोलता हूं ये बैंक तू तो मेरे फ्रेंड को अश्योरिटी दे दे कि भाई मैं उसको इक्विटी शेयर या उसका पैसा नहीं दे पाया देन इन दैट केस बैंक यू टेक द गारंटी दैट यू विल पे बैंक बोलता है मैं दे दूंगा वो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा बैंक टेंशन बदले मैं तेरे को इंटरेस्ट दे दूंगा क्या रेट के ऊपर जो शेयर का प्राइस आज मैं ले रहा हूं तो प्राइस ऑफ शेयर एट द बिगिनिंग इंटू इंटरेस्ट कॉस्ट जो बैंक गारंटी चार्जेस देने वाला है इंटू जितने भी ड्यूरेशन के लिए वो ले रहा है तो अब जो भी शेयर्स मैं ले रहा हूं से, आज का, जो इसका है, उसके ऊपर बैंक गारंटी दे देगा उसके बैंक का मैं दूंगा उनको, is, is जो भी फीस रहेगा तो परसेंटेज डिसाइड होता है तो प्राइस ऑफ शेयर वन परसेंट अब ये सारा मेरा जो खर्चा है वो मेरा निकल जाएगा अगर एक्चुअल में मार्केट गिर गया क्योंकि मार्केट अगर गिर गया तो मैं इतना गेन कर लूंगा गेन में से जो बैंक गारंटी का इंटरेस्ट है वो दे दूंगा लेंडिंग भी दे दूंगा और जो बच गया वो मेरा पूरा कम, मेरा पूरा पैसा बट ये पहले के जमाने में हुआ करता था स्टॉक लेंडिंग आज की तारीख में ऑल ऑफ दिस इज दिसंकली स्पीकिंग नॉट पॉसिबल बिकम वेरी स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग दैट बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क फिर बाद में आ जाते हैं कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं बॉन्ड फॉरवर्ड में एक्समें बताऊंगा यहाँ पे भी अगेन जो आपका वैल्यू ऑफ बॉन्ड है वो आपको अलग अलग लेवल पे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे बेसिकली जो तो होता होता है वो होता है वो कि भाई देखो आपको जो बॉन्ड है उसके फॉरवर्ड वाईटीएम रेट्स इंटरेस्ट रेट्स फाइंड आउट करना है मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लिया यहाँ पे आपको समझाने के लिए सपोज एक साल का मच्योरिटी का एक लाख के फेस वैल्यू का करंट प्राइस ऑफ बॉन्ड है नाइनटी वन फाइव हंड्रेड

वैल्यू ऑफ बॉन्ड है मेरा 91500 दिया हुआ है वन प्लस आर जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ इट विल बी 9.3 परसेंट अगर आप लोग ऐसे कैलकुलेट भी करके देखोगे ना क्रॉस चेक करने के लिए तो 91500 प्लस 9.3 परसेंट करोगे तो आपको मिल जाएगा वन लाख रुपीज जब सेकंड में दो साल है देन इन दैट केस सेकंड का उन्होंने कूपन रेट दिया है टेन सो so, अब मेरे को फर्स्ट ईयर में

थाउजेंड कुपोन प्लस रिडेम्शन वैल्यू अपॉन वन पॉइंट जीरो नाइन थ्री जो उसका कुपोन का रेट है फर्स्ट ईयर का इन टू वन प्लस आर टू इन टू वन प्लस आर टू अब अगर ये वन प्लस आर टू है देन इन दैट केस आर टू अपने को कैलकुलेट करके दिखाना है विच विल वर्क आउट टू ट्वेल्व पॉइंट सिक्स थ्री फिर बाद में आ जाओ थ्री ईयर सिक्योरिटी पे थर्ड ईयर में तीन ईयर सिक्योरिटी में अगर आप लोग देखोगे तो ये आ जाता है नाइन्टी नाइन थाउजेंड यहां पे थर्ड ईयर का दिया टेन पॉइंट फाइव परसेंट सो टेन टेन पॉइंट फाइव परसेंट का इंटरेस्ट है सो टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मेरे को फर्स्ट ईयर में मिलेगा टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेयर में थर्ड ईयर में रिडम्पन वैल्यू एट पारेंट वन लाख टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फर्स्ट ईयर का अपन लोग ने इधर कुपोन uh, रेट डाल दिया नाइन पॉइंट थ्री परसेंट सेकेंड इयर का डाल दिया नाइन पॉइंट थ्री एंड ट्वेल्ल पॉइंट सिक्स थ्री वाला थर्ड ईयर का डाल दिया नाइन पॉइंट थ्री ट्वेल्व पॉइंट सिक्स थ्री एंड जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है उसको बस मेरे को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है इट वर्क टू इलेवन पॉइंट करना है R1. दो साल का है तो कूपन अपॉन वन प्लस कूपन प्लस रिडेम्पशन अपॉन ब्रैकेट में वन प्लस आर वन वन प्लस आर टू तीन साल का है तो कूपन अपॉन वन प्लस आर वन कूपन अपॉन वन प्लस वन कूपन टू अपन प्लस इससे का forward rate मेरे को मिल जाता है Got it, everybody? ये है ये मेरा bond forward. अब आ जाते हैं अपन लोग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर विच इज द फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट बट उसके पहले जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि बॉन्ड के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वैल्यूएशन ऑफ रेफरें वो अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं दो मिनट में सबसे पहला है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर सेम एज कन्वर्टिबल बॉन्ड सो आज बॉन्ड है कल वो कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर में आज प्रेफरेंस शेयर है कल इट विल कन्वर्टेड इन टू इक्विटी शेयर कन्वर्शन रेशियो एक इक्विटी शेयर के सामने कितना एक प्रेफरेंस शेयर के सामने कितना इक्विटी शेयर मिल रहा है हाउ मेनी इक्विटी शेयर ऑन कन्वर्शन कन्वर्शन वैल्यू एक इक्विटी शेयर का वैल्यू मार्केट प्राइस कितना है

इंटरेस्ट रेट uh, जो उसका आईटीएम का है डिविडेंड uh, का रेट होगा वो इनिमेबल हुआ तो डिविडेंड अपॉन रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन प्रेफरेंस है सिंपल आईसीआई का मॉड्यूल क्वेश्चन है पेज फोर पॉइंट वन फोर का फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टेन थाउजेंड दिया है डिविडेंड दिया है टेन परसेंट सो टेन का टेन होता है वन थाउजेंड एंड टेन प्लस वन थाउजेंड शेयर्स आर रिडीमेबल आफ्टर थ्री ईयर पीरियड एंड अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज ट्वेल्व सो ये अपन लोग बोलेंगे बस इधर है मेरा वन पॉइंट वन टू थर्ड ईयर का क्यूब बराबर है इसको आप लोग वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो वन थाउजेंड इन टू प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर ट्वेल्व परसेंट फॉर थ्री इयर्स एंड टेन थाउजेंड इन टू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ट्वेल्व परसेंट फॉर थर्ड ईयर है समझ गए बस इसको ऐसे सॉल्व कर लो जैसे अपन लोग ने डिवेंचर्स में किया था प्रेफरेंस शेयर इजी एंड सॉल्वेबल बोला था ना अब आ रहे लास्ट एस्पेक्ट के ऊपर एंड दैट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड वो हो जाने के बाद वी आर देन ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड विद विथ दिस चैप्टर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट बेसिकली जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है जैसे फोर्टीन डेज ट्वेंटी एट डेज 91 देज, 364 देज, वन डेज थ्री सिक्सटी फोर डेज मैक्सिमम वन पीरियड वन ईयर पीरियड के अंदर देन इन दैट केस आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकते हो विच सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डिपोजिट कमर्ल्स क्या होता है पता है है बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे अडानी अडानी हो हो गई अंबानी गए तो मैंने से फॉर आई एम दस हजार करोड़ का कोई माल एक्सपोर्ट किया ठीक है अब वो एक्सपोर्ट कर क्या? तो मेरे पास पैसा भी आ गया दस हजार करोड़ मेरे बैंक अकाउंट पे आ गया वो दस हजार करोड़ के लिए मेरे को आगे रॉ मटेरियल का पैसा देना है बट मेरे पास दो महीने बाद ये पैसा आ गया मेरे को रॉ मटेरियल के लिए देना है तीन महीने बाद तो एक महीने तक एक हजार करोड़ पड़ा है हजार करोड़ पड़ा है क्या करूं मेरे को दस हजार करोड़ देना है आज से और एक महीने बाद पर एक महीने के लिए तो दस हजार करोड़ ना क्या करूं मैं उसको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दूंगा फॉर डेज 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 जितना है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करना है वो आप कर सकते हो बिग कॉर्पोरेट हाउस यूजुअली यूज दिस आप और मैं पंद्रह हजार रुपए बच्चे अपने पास पांच दिन के लिए क्या इन्वेस्ट करोगे क्या ही आप लोग को मिलेगा पंद्रह हजार करोड़ हो तो बोलो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जता था एटलीस्ट ड्रेड क्रोर्स या ऊपर अमाउंट होना तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आग बंद करके पब्लिक इन्वेस्ट करता है द ट्रेजरी डिपार्टमेंट एंड इट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी अब आ जाते हैं अपन लोग वैल्यूएशन ऑफ के ऊपर तो अबेबल कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करते थे यहाँ पे वॉरेंट्स भी वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है एकदम सिंपल सा एक फॉर्मूला है उसके अलावा और कुछ इसका इंप्लीकेशन है नहीं सो वैल्यू ऑफ वॉरेंस इज मार्केट प्राइस तो आपको कितना मार्केट प्राइस मिल रहा है शेयर्स का माइनस वॉरेंट का एक्सरसाइज प्राइस कितना है तो से फॉर एग्जाम्पल आपको एक वॉरेंट के सामने दस इक्विटी शेयर मिल रहा है एट द रेट रुपीज ट्वेंटी इट विल बी रुपीज टू फिफ्टी सो यहाँ पे ये मेरे को टू फिफ्टी रुपीज का वैल्यू मिल जाएगा एक वॉरेंट के ऊपर आज की तारीख में एक वॉरेंट का वैल्यू है से वन ट्वेंटी सो आई से ले लो चलो टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी एक वारंट का वैल्यू तो से एक वारंट के ऊपर मैंने तीस रुपया कमाया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई से फॉर एग्जाम्पल टोटल मेरे को एक वारंट से पंद्रह शेयर्स मिलता है सो फोर फिफ्टी रुपीज इज वॉट आई विल अर्न एंड दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ माई वॉरेंट बट अगेन नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल सो खाली इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुला अगर याद रखना तो वैल्यू ऑफ वॉरेंट इज मार्केट प्राइस जो मेरे को शेयर से मिलने वाले शेयर से माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ वॉरेंट जो आपको दिया होगा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो मुझे कन्वर्जन पे मिलेगा अब आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर व्हिच इज कॉल्ड एज द ट्रेजरी बिल्स अब ये जो आने वाले तीन है ना एक है मेरा ट्रेजरी बिल दूसरा है मेरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और तीसरा है कमर्शियल बिल ये तीनों को समझने के लिए एक ही एग्जाम्पल मेरा काफी है ये ना काइंड kind ऑफ of वो जीरो कूपन बॉन्ड के जैसे मतलब इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू जो डिफरेंस है वही तुम्हारा इंटरेस्ट वही तुम्हारा वैल्यू वही तुम्हारा सब कुछ पर क्या ना जीरो कूपन बॉन्ड में तो लंबा टाइम होता है बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे आप लोग को बहुत ज्यादा दूर तक का टाइम नहीं है क्योंकि सब शॉर्ट टर्म डिपोजिट ही है सो so, इसके लिए मैं आपको साथ एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और उस एग्जाम्पल से आप लोग को चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी सो so, मेरा एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल अपन ने लिया एक ट्रेजरी बिल तो ये जब ट्रेजरी बिल इशू होता है ना सो so, ये जब ट्रेजरी बिल इशू होता है ना ये एक डिस्काउंट पे इशू होता है सो so, ट्रेजरी बिल इज इस इशूड इस एट डिस्काउंट ट्रेजरी बिल इज इस इशूड इस एट डिस्काउंट एट वॉट रेट सर एट रुपीज नाइनटी फाइव ठीक है एंड जब ये रिडीम होता है ना जब ये रिडीम होता है ना ये रिडीम होता है एट फेस वैल्यू रिडीम होता है एट फेस वैल्यू सो से फेस वैल्यू है रुपीज हंड्रेड अब ये ट्रेजरी बिल इश्यू किया है से फिफ्टी डेज के लिए तो पचास दिन के लिए अगर ये इशू किया है. और मैं आपको बोलता हूं चलो मेरे को इसका रिटर्न कैलकुलेट करके दिखाओ तो आप क्या करोगे आप बोलोगे सर देखो 95 फाइव रुपीज में इशू किया था आज से अपने को सौ रुपया मिल गया अपने एंगल से ही सोचो तो अपन ने नाइनटी फाइव रुपीज दिया था सौ रुपया अपने कितना 95 रुपीज इन्वेस्ट किया था सो नाइन्टी फाइव माइनस नाइनटी फाइव अपॉन नाइन्टी फाइव इससे मेरे को कहना है से मेरे को मेरा रिटर्न पता चल जाएगा करेक्ट सो कहना है से so, मेरा जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री का रिटर्न है बराबर के नहीं पर ये जो मेरा रिटर्न आया है ये मेरा 50 दिन का रिटर्न है ये मेरा 50 डेज का रिटर्न है मेरे को तो 365 डेज का रिटर्न चाहिए पूरे साल का तो मैं क्या करूंगा ना इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो मुझे मेरे पूरे साल का रिटर्न मिल जाएगा यार ऐसा तो 0.053 365 50 डेज मैं करता हूं तो मुझे मेरा ईयरली रिटर्न मिल जाएगा 365 डिवाइड बाय 50, सो से पॉइंट थ्री नाइन परसेंट का मेरे को रिटर्न मिल गया का मेरे को रिटर्न मिल गया समझे क्या अरे पॉइंट थ्री नाइन परसेंट नहीं पॉइंट थ्री नाइन ही तो है भाई सॉरी मैं बताता हूं तुम लोग कंफ्यूज हो जाना ना है पॉइंट थ्री नाइन मतलब थर्टी नाइन परसेंट समझेगा so, so, तो तो so, so, मैंने, मैंने कैसे कैलकुलेट किया अगर तुम लोग मुझे बता सकते हो क्या मैं आपको बता दू देखो हंड्रेड माइनस नाइन क्या हंड्रेड क्या था क्या ना? ये मेरा फेस वैल्यू है माइनस

एंड फिर मैंने इसको ये जो पॉइंट थ्री नाइन आया ना हेलो पॉइंट थ्री नाइन को मैंने मल्टीप्लाई हंड्रेड किया तो मेरे को, bill, क्या, अब आप को समझ में रिटर्न ऑफ ट्रेजरी बिल को मैंने कैसे कैलकुलेट किया एफ जो मेरा फेस वैल्यू हंड्रेड में को रिडीम पे मिला माइनस आईपी जो मेरा इशू प्राइस है नाइनटी फाइव का अपॉन आईपी Into 365 इन टू थ्री सिक्सटी फाइव डेज बात को ये फॉर्मूला जो आप लोग ने यहाँ पे बनाया है ये जो आप लोग ने बनाया है लॉजिक के साथ ये फॉर्मूला कहीं पे भी यूज करो ट्रेजरी बिल में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में कमर्शियल बिल्स में सब जगह अप्लीकेबल होगा एंड आपको मिल जाएगा फुल मार्क्स और ये बहुत लॉजिकली डिराइव किया है रिविजन सेशन में और क्या चाहिए आपको लाइफ में यार सो so, अपना काम हो गया अब टेम्पलेट बन गया ये आपका अब आपको कभी कभी वो क्या करेगा पता है क्या रिटर्न दे देगा आपको वो फेस वैल्यू दे, दे देगा और बोलेगा चलो इश्यू प्राइस फाइंड आउट करो आपको एज इट इज नंबर्स उठाना है ये टेम्पलेट में डालना है इश्यू प्राइस आपका बैलेंसिंग फिगर होगा कैलकुलेट करके दिखाना है यहां पे हमने वही किया है ये देखो रबी ने सोल्ड नाइन डे ट्रेजरी बिल ऑफ़ फेस वैल्यू रुपीस हंड्रेड एट इल्यूड ऑफ़ सिक्स परसेंट इल्यूड मतलब रिटर्न बराबर है कैलकुलेट डी इश्यू प्राइस फॉर्मूला मेरे को आता है मैंने खुद डिवाइड किया है बराबर है सो सिक्स इज़ इक्वल टू हंड्रेड माइनस प हंड्रेड फेस वैल्यू एफ म

समझ रहे हो फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 91 वन डेज सो यू विल कैलकुलेट एंड यू विल गेट सिक्स परसेंट यू विल कैलकुलेट एंड यू गेट 6% समझ में आ गया एवरीबॉडी ठीक है बस अब इसको ध्यान में रखना ये एग्जाम्पल को ध्यान में रखना एंड डन अब तुम लोग को वैसे में ये जो नोट्स लिखना वो चाहिए क्या कमेंट में मुझे बताओ तो मुझे समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं

ठीक है ये ईयरली है ये अगर आपको मंथ्स में फाइंड आउट करना है तो यह फॉर्मुला है सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट ऑलमोस्ट ऑन द सेम लाइन्स यही हंड्रेड माइनस नाइंटी अपॉन नाइन्टी इंटू ट्वेल्व बाई टू इज इक्ल टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू पॉइंट टू परसेंट है आपको कैलकुलेन्स आ जाएगा सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे आपको अप्लाई करना है आप लोग कर लो यू विल गेट द आई पी एस द बैलेंसिंग फिगर समझ समू एवरीबॉडी विद दिस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो बहुत ही सिंपल था नहीं कंप्लीट हुआ है अब आ रहा है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज रेपो एंड रिवर्स रेपो जो डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस है वो तो देखो बात कुछ ऐसी हो जाती है कि यहां पे एक टर्म है चलो मैं उसको पहले एक बार रीड कर ले तो टर्म रेपो एंड रिवर्स रेपो रिवर्स परचेज अग्रीमेंट का मतलब होता है टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच मनी मार्केट पार्टिसिपेंट इस बाई सेलिंग सिक्योरिटीज एंड साइमलटेनियसली अग्रिंग टू रीपरचेज द सेम आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम बात कुछ ऐसी हो जाती है कि आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट के साथ जो जितने भी बैंक है उसको आरबीआई के साथ कुछ सिक्योरिटी डिपोजिट रखना पड़ता है एस एल आर रेशियो हो गया लिक्विडिटी रेशियो हो गया वैसे सब रेशियोज वो लोग को मेनटेन करना पड़ता है उसके लिए कई बार है ना वो लोग शॉर्टेज पड़ जाता है फंड का तो वो क्या करते हैं अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर देते हैं एंड फिर बाद में जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो लोग बाद में उसको रिबाई कर लेते हैं

तो मैं आपके पास से वो पैसा जो आपको सिक्योरिटीज सॉरी दिया है वो मैं आपके पास से वापस ले लूंगा दैट इज कॉल्ड एज रेपो एंड रिवर्स रेपो सो साइमल्टेनियसली अग्री टू रिपर्चेज द सेम आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम जनरली एन स्पेसिफाइड पीरियड व्हिच टिपिकली इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड एन अग्रीड अपॉन रेट तो आज मैंने आपको मेरा सिक्योरिटीज दिया है आपने पैसा दिया मेरा एसएलआर बन गया बट फिर मुझे फ्यूचर में वापस से आपको पैसा रिटर्न करना है पैसा रिटर्न करूंगा आप मुझे मेरा सिक्योरिटी जो मैंने आपके पास गिरवी रखा है वो आप मेरे को रिटर्न कर दोगे बट खाली मैं आपको पैसा रिटर्न करूंगा ऐसा तो होगा नहीं आप बोलोगे मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए

फेस वैल्यू इंटू जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड है उसका परसेंटेज इंटू जितना भी देश के लिए इंटरेस्ट अक्रू हुआ है वो एड होने के बाद इट बिकम्स डर्टी प्राइस आवी क्लियर एवरीबॉडी समझ में आ रही है आपको बातें तो समझो आपने कोई बॉन्ड इश्यू किया है आपने से फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई बॉन्ड इशू किया है एट द रेट फेस वैल्यू रुपीज हंड्रेड ठीक है ये आपने किया है फर्स्ट जैन को अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है से एट परसेंट ठीक है अब दो महीने हो गए ट्वेंटी so, तो क्या हो रहा है, पता है क्या? ये बॉन्ड का क्या वैल्यू हो जाएगा तो अभी इसमें हंड्रेड रुपीज के ऊपर एट परसेंट इंटरेस्ट इंटू टू बाई ट्वेल्व सो हंड्रेड इंटू एट परसेंट इंटू टू बाई ट्वेल्व ये आ जाता है so, दोनों मिला के हो, जाता है क्या हुआ? दो का interest हो गया हंड्रेड वन पॉइंट थ्री थ्री में आज की तारीख में अगर आपको 1.33 है तो यह महीने का इंटरेस्ट अक्रू हो गया 101.33 में बिकेगा खरीदना है तो ये बॉन्ड 101.33 में, 101 में दे दूंगा उसमें जो इंटरेस्ट अप्रूवल है वो भी आ गया इसको कहते हैं बेटा डर्टी प्राइस इसको कहते हैं बेटा डर टी प्राइज समझ में आ गया तो इंटरेस्ट अक्रू होने के बाद का जो प्राइस है बेसिकली उसको कहते हैं प्राइस अच्छा एवरीबॉडी चलो अब ये फर्स्ट लेग और सेकंड लेग को समझने के लिए लेते हैं अपन लोग एक प्यारा सा एग्जांपल और उससे समझ जाएगा फर्स्ट लेग सेकंड लेग और क्या बातें चल रही है पहले मैं क्या बोल रहा हूं ये वाला चीज तो समझ में आ गया ना क्योंकि अब ये यूज होने वाला है इसके लिए अब देखो कैसे यूज होने वाला है

पहले तो डर्टी प्राइस निकाल एकदम सिंपल है मेरा अगर क्लीन प्राइस है तोनाई से टू सिक्सटी टू डेज का हुआ होगा हाँ सर इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू तो अगर नाइनटी नाइन पॉइंट फोर टू है तो फेस वैल्यू हंड्रेड होगा तो हंड्रेड के ऊपर कितना इंटरेस्ट चल रहा है यहाँ पे

पे ये क्या हो गया Dirty price. कैसे कैलकुलेट किया हुआ था प्लस इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया तो 262 डेज का इंटरेस्ट अक्रू हो गया इंटरेस्ट uh, का अमाउंट हंड्रेड का जो उसका फेस वैल्यू इंटरेस्ट इज ऑलवेज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया टेन परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यहाँ पे बैंक ए जो बैंक बी को दे रहा है जो वापस वो रीपर्चेज करने वाला है सो so वो पर्टिकुलर बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है

बेटा एक बॉन्ड का वैल्यू कितना है हंड्रेड रुपीज है सो डिवाइड बाय रुपीज हंड्रेड पर बॉन्ड तो कितना हुआ ये देखो एट हंड्रेड डिवाइड बाय हंड्रेड एंड इट वर्क्स आउट टू इट वर्क्स आउट टू एट लैक बॉन्ड्स इट वर्क्स आउट टू एट लैक बॉन्ड्स बराबर अब अगर बैंक ए ये आठ लाख बॉन्ड दे रहा है तो ये आठ लाख बॉन्ड का वैल्यू कितना है ये आठ लाख बॉन्ड का वैल्यू है यही

हेलो उसके ऊपर वो बैंक क्या चार्ज करेगा इंटरेस्ट चार्ज करेगा इंटरेस्ट कितना चार्ज करने वाला है बेटा तो यहाँ पे बोला है दैट इंटरेस्ट रेट फाइव पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट टेन परसेंट तो भाई उसका है वो जो बॉन्ड दिया है उसका ये वाले का अब ये जो एट करोड़ है ये इसका इधर लिखा भी है एट द रेट फाइव पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट फॉर रुपीज 8 crores. समझ में आई आप लोग को बातें so, अब इसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा बट यहां को बोल रहे हैं कि इसमें से हम हमारा टू परसेंट एक मार्जिन मनी कट करते ही है एज अ सिक्योरिटी तो वो होता है इन टू टू परसेंट इट इज वन सेवन जीरो माइनस हो जाएगा माइनस इक्वल टू मैं करता हूं तो अब अपने को लोन मिलने वाला है कितने डेज में ये रिपे होने वाला है कैन आई से फोर्टीन डेज मेंचेज करने वाले बोरा बेटा करेक्ट तो अपन लोग अगर इसको फोर्टीन डेज में हाँ, अगर अपन लोग इसको 14 डेज में ये रीपे मांग रीपरचे एट जीरो इन टू फोर्टीन परसेंट सॉरी इन टू फोर्टीन डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव इन टू फाइव पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट सो इन टू फाइव पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट इन टू 14 डिवाइड बाय 365 एंड दिस वर्क्स आउट टू रुपीस अ 180895 ये देखो ये अभी थोड़ा राउंडिंग ऑफ एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे 360 डेज दिया है क्वेश्चन में बोला है क्या भाई अजूम 360 डेज तो फिर क्यों हीरो बने अपन तो अपने को भी ले लेने का 360 डेज so I'll just do the डू so 834 सो एट मिनट देना फिर आप लोगों को पूरा चीज समझ जाएगा 72480 टू फोर एट जीरो इंटू फाइव पॉइंट सिक्स फाइव एंड ये आ गया वन एट जो यहाँ पे बस वही राउंडिंग ऑफ का जो एरर आएगा वो आएगा सो so 183500 एट थ्री में करके राउंड ऑफ कर देता हूँ 183500 तो अब जब ये रिपे होगा तो कितना अमाउंट रीपे होगा सो एट थ्री फोर सेवन टू फोर एट जीरो प्लस वन एट थ्री फाइव हंड्रेड रीपे होगा रुपीज एट थ्री सिक्स एट थ्री सिक्स फाइव फाइव नाइन एट जीरो फाइव फाइव नाइन एट जीरो ये जो कैलकुलेशन था ना इनिशियल वाला इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं सेकेंड लेग इसको बोलते हैं फर्स्ट लेग अब यहां पे मैं आपको और क्लैरिटी से बता देता हूं बैंक A ने भाई दिया बैंक बी को और बोला मैं रिपर्चेस कर लेगा मेरा ये टेन परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड चौदह दिन के बाद उसके लिए तू मुझे पैसा दे दे कितना पैसा दू तो मेरे को आठ करोड़ फेस वैल्यू के हिसाब से

रीपे करना है और मैं मेरा बॉन्ड्स ले लूंगा तो रीपे कितना करूंगा 5.65 के ऊपर 14 डेज डिवाइड बाय 360 डेज 183804 इंटरेस्ट के साथ मैं रीपे कर दूंगा विच विल वर्क आउट टू 83836604 थर्टी एट थर्टी सिक्स सिक्स जीरो फोर एट हे समझ एवरीबॉडी बस तो यही पूरा का पूरा मेरा गेम था और फर्स्ट लेग अपन ने मुझे पता चला कितने वैल्यू का बॉन्ड दे रहा हूं उसमें से इनिशियल मार्जिन माइनस करके जो फर्स्ट लेग है उतना पैसा मिल जाएगा ये फर्स्ट लेग के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और मैं रिपेमेंट कर दूंगा उसको बोलेंगे सेकेंड लेग समझना ही चाहिए स्पेशली अगर आप लोग ने यहाँ पे मेरा ये कैलकुलेशन देखा होगा तो 101% यार आप लोगों को समझ ही गया होगा फिर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला है और अच्छा लगा समझ में आया तो भी कमेंट सेक्शन खुला है मेरे भाई चलो अभी क्लियर बस एज तो चाहिए लाइफ में एज तो चाहिए लाइफ में समझ गुड हो एवरीबॉडी 10 सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स इट गाइस सो ये है मेरा फर्स्ट लेग ये है मेरा सेकेंड लेग और इसी के साथ मेरा ये पूरा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट खत्म होता है ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो समझ लेना एकदम हार्ड कोर क्वेश्चन कर पाएंगे लेवल वाला आदमी है वो ही इसको सॉल्व कर पाएगा बट आई होप समझ में आ गया होगा चलो एंड इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा मनी मार्केट अब इन शॉर्ट मैंने जो पांच चीजें आपको वैल्यूएशन की बोली थी वो कंप्लीट हो गई है बस कुछ जनरल फॉर्मुलाज है टू वैल्यू इक्विटी शेयर्स वो अब अपने को खाली ध्यान में रखना है ये मैं आपको बता देता हूं एक एक करके लॉजिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर्मूलाज को दो तीन बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं मतलब क्या होता है बाकी फॉर्मूलाज पढ़ते रहना दो तीन बार लिख लेना क्लियर हो जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब भाई अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक के लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट आप कहा से पे करोगे आपके पास अर्निंग्स भी तो होना चाहिए तो इंटरेस्ट पे करने के पहले आप कितना अर्निंग कमा रहे हो और उससे आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे कि नहीं इस कॉल्ड एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट कितना अर्निंग कमा रहे हो आप बिफोर इंटरेस्ट देखिए तो सही हम और उसके कंपैरिजन में आप इंटरेस्ट पे कर पाओगे कि नहीं वो हम लोग देखेंगे हायर द बेटर तुम लोग ने कभी शार्कटैंग देखा होगा तो शार्कटैंग में वो लो लोग बोलते हैं भाई आपका एबिट्टा कितना है तो उस हिसाब से हम आपको लोन देंगे क्योंकि लोन रिपे करने के लिए आपका एबिट्टा अच्छा होना चाहिए

इंटरेस्ट या फिर फिक्स आउटफ्लो वाला जो मेरा कैपिटल है वो डेट प्लस कैपिटल अपॉन नॉन इंटरेस्ट या नॉन फिक्स डिविडेंड वाला जो कैपिटल है वो तो ये दोनों बताते हैं अपने को कि कितना मेरा फिक्स्ड क्या जो फिक्स्ड एक्सपेंस uh, है वो होने वाला है वो कैपिटल कितना है एज कंपेयर टू नॉन फिक्स्ड जो मेरा

Yield on shares upon equity share capital. तो उसके कंपेरिजन में आपको एक्चुअल आप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड आउट कर पाओगे तो ये फॉर्मुला है, इस है, है, है इसको भी मैं यहाँ पे फटाफट कनेक्ट करवा देता हूं यूल अंडरस्टैंड देखो अब ये क्वेश्चन में ना मैं को कॉन्सेप्ट बता देता हूँ so तो मतलब कितना कमा रहा है अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो वो अपन कितना कमाते हैं क्या ना इस एंड में जो प्रॉफिट बच जाता है वो तो यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन देखोगे ना तो लोग ने बोलाईल्ड ऑन शेयर इज कैलकुलेटेड एट द रेट फिफ्टी परसेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड

ठीक है हम लोग नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी देते हैं बट वन परसेंट एवरी टाइम ऑफ डिफरेंस कि अगर मेरा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कवरेज रेशियो जितना होना चाहिए वो नहीं है तो मैं वन परसेंट एड कर दूंगा मेरा अगर कैपिटल गेनिंग रेशियो नहीं है तो मैं टू परसेंट एड कर दूंगा तो अगर तुम लोग यहाँ पे नोट करोगे ना तो देखो नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट है नेक्स्ट पेज पे अब मेरा जो थॉट प्रोसेस था कि भाई मेरे को इंटरेस्ट एंड फिक्स कवरेज रेशियो होना चाहिए उतना नहीं है तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा तो मैंने जीरो पॉइंट एट फोर परसेंट एड किया वैसे यहाँ पे इंटरेस्ट गेयरिंग रेशियो का ऐड किया लेस किया जो भी है सब होने के बाद या जीरो पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट मैंने जीरो पॉइंट एट फोर एड किया, किया। क्योंकि ये मेरा रिस्क प्रीमियम है मेरा जो कैपिटल गेयरिंग रेशियो था उतना नहीं आया और एडवर्स आया तो मैं जीरो पॉइंट थ्री सिक्स मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ा दूंगा फिर मेरा जो इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड रेशियो था उतना नहीं मैच हुआ है मैं मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ा दूंगा फॉर्मूला एक्चुअल था एक्सपेक्टेड एट अकॉर्डिंग टू हंड्रेड पेड ऑफ वैल्यू अकॉर्डिंगली मुझे मिल जाता है प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर समझ में आ गया होगा ठीक है तो ये स्पेसिफिक यही सम के लिए बट आ चुका है एग्जाम में और मॉड्यूल का है तो इसके लिए मैंने ले लिया और आप को उसको मैंने इसके एग्जाम्पल के थ्रू कनेक्ट भी करवा दिया बस अब हो चुका है अपना काम अब कुछ बचपन के फॉर्मुलाज जो जनरल सम्स में यूज आ सकते हैं इस चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी में जीपी रेशियो सो अब यार ये भी मुझे अगर करवाना पड़ेगा तो क्या ही बोलू ठीक है आप लोग के लिए एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं ध्यान so so, ratio, ratio so, रखना ये ऑपरेटिंग रेशियो में ना मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है तो आप लोग ध्यान रखना क्या होता है ऑपरेटिंग रेशियो

नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेंशन कितना किया फ्रॉम द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड यील्ड इज़ ऑलवेज़ कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस कितना डिविडेंड दिया मार्केट प्राइस डिविडेंड यील्ड डिविडेंड पर शेर डिविडेंक्विटी शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अर्निंग पर शेर है तो पता है बुक वैल्यू पर शेयर बुक वैल्यूअपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे शेयर कैपिटल प्लस प्लस माइनस प्ररी एक्सपेंसिस रिटर्न एम्प्लॉइड ईटी अपन कैपिटल एम्प्लॉय रिटर्न ऑन इक्विटी इज बेसिकली अर्निंग्स आफ्टर टैक्स अपॉन नेटवर्थ या कभी कभी वो लोग ईपीएस अपॉन बीवीपीएस का भी फॉर्मूला लिया है रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए तो ये तो आप लोगों को दो तीन बार गो थ्रू करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा तब दिमाग में सेट होगा सो रिटर्न ऑन इक्विटी बेसिकली तो हो जाता है आफ्टर टैक्स भी कितना अर्निंग्स बचा है आपके नेटवर्क के ऊपर वो रिटर्न मिला है इक्विटी शेयर होल्डर्स को बट फॉर्मूला खेल जाता है कभी कभी क्वेश्चन में तो ईपीएस अपॉन बीबीपीएस ध्यान में रखना देन वी हैव ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड आई थिंक ये तो जो ईपीएस अपॉन बीबीपीएस है वो मैंने अभी तुम लोग को अर्निंग मॉडल कराया था तभी यूज आया था अपना याद है बीबीपीएस इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू ईपीएस बस वही कनेक्शन है यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैपिटल एम्प्लॉय किया उसके ऊपर कितना रिटर्न है ईबीआईटी है वो मेरा आर ओ सी पी रेशियो एमपीएस अपॉन ईपीएस है मार्केट कैपिटलाइजेशन वी ऑल मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिर ये है एसजीआर सस्टेनेबल ग्रोथ रेश्यो सो आर रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू वन माइनस बी वन माइनस बी अपने को पता है इज बी इज रिटेन्ड अर्निंग्स ये है मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो के जैसा एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज पैट अपॉन नेटवर्क All right, done and tested with अगर आप इधर तक पहुंचे हैं मतलब यू हैव अ वेरी गुड लेवल ऑफ डिसिप्लिन एंड आपने एक बहुत अच्छा काम किया है ये पूरे लेक्चर को सुन के तीन बार तक सुन लोगे मजा आ जाएगा एंड सी नाउ इट टाइम फॉर यू टू परफॉर्म बाकी कोई चीज काम में नहीं आने वाली खाली एक ही चीज है एंड दैट इज हाउ वेल यू आर गोइंग टू पुट इन योर एफर्ट्स हंड्रेड के लेवल का एफर्ट डालोगे ना तब जाके एट्टी के लेवल का लिख पाओगे और उसके बाद सिक्सटी का मार्क्स आएगा आप सोचोगे मैं तो सिक्सटी मार्क्स के लिए सिक्सटी का ही एफर्ट डालूंगा तो फिर आप सॉरी आप गलत लाइन में आ गए हैं ठीक है ऑलवेज रिमेंबर दैट ठीक है तो नॉर्मल लॉस होने ही वाला है 100 का नॉर्मल लॉस 80 याद रहेगा जो लिखोगे 80 का नॉर्मल लॉस एग्जामिनर अपने हिसाब से खुद का काटेगा 60 देगा तो 60 से ज्यादा लाना है तो बस यू हैव टू मतलब आपको खुद को अंदर से लगना चाहिए कि यार बस हो गया यार बहुत पढ़ लिया इनफ इनफ मतलब एकदम वो जब लेवल इक्विलिब्रियम लेवल आ जाए वो पूरा कंफर्ट जोन को तोड़ दिया जाए और थक जाओ रियल सेंस में मोबाइल साइड पे नो यूसेज ऑफ एनी अदर कम्युनिकेशन सिस्टम जस्ट फोकस्ड ऑन योर स्टडीज दैट इज वेन यूफिनेटली गेट योर रिजल्ट इतना याद रखना ठीक है तो वो करते रहो मेहनत करते रहो एंडली बेस्ट होगा राइटिंग प्रैक्टिस मत छोड़ना क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी बाकी आई होप सेशन अच्छा लगा होगा ओके टाइम फॉर मीडियो से आस्था लविस्ता कुछ शेयर करना हो आपको कमेंट बॉक्स ओपन है एंड मिलते हैं बहुत जल्द आने वाले रिविजन सेशन में टेक केयर बब बाई की स्माइलिंग थैंक यू सो मच